तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है जिंदगी, हाउस द जोश। जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए अगर दिन को अच्छे से आप लोगों को स्टार्ट करना है। आज है 3 नवंबर। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो बहुत शानदार रहने वाला है। पर आगे बढ़ने से पहले एक ऐसी खबर जो कि काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है, और खासकर जो लड़कियां घर से बाहर पढ़ने जाती हैं उनके लिए थोड़ा सा सतर्क रहने की भी जरूरत है यहाँ पर। और खासकर जो यहाँ पर इस तरीके की हरकतें करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर फोकस देना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में हम लोग बात करते हैं जब लड़कियों के बारे में कि लड़कियों को घर से बाहर पढ़ने भेजना है या फिर लड़कियों को घर से बाहर काम करने भेजना है, तो सबसे बड़ी जो आज की डेट में भी जो प्रॉब्लम निकल कर आती है या आप लोगों ने फील की होगी वो होती है लड़कियों को लेकर सिक्योरिटी की। अभी ऐसा ही एक केस यहाँ पर BHU जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर में काफी एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, उसके परिसर के अंदर, कहीं बाहर नहीं उसके अंदर ही गन पॉइंट पर एक लड़की को जो है उसके कपड़े उतरवाने की कोशिश की गई और उसकी वीडियो बनाई गई। और यहां पर ये जब मामला सामने निकल कर आया तो काफी बवाल हुआ, जो बच्चे हैं वो सड़कों पर उतरे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कौन ऐसे परिसर के अंदर में गन लेकर पहुंच गया, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, वहां पर इतनी सिक्योरिटी भी नहीं है कि लड़कियां इस तरीके से, एक लड़की जो है वो अगर अपनी फ्रेंड के साथ में कहीं घूम रही है तो इस तरीके की सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है। एक लड़के के साथ में, बेसिकली अपने फ्रेंड के साथ में घूम रही थी और वहां पर उसके साथ भी मारपीट की गई यहां पर। तो जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर वहां से भागी और ये जो सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं आप लोग खुद सोच के देखो, BHU का नाम यहां पर सामने निकल कर आया। ये एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, कल को अगर किसी भी लड़की का यहाँ पर एडमिशन होता है आप लोग खुद सोच कर देखो उसके घर वाले क्या उसको यहाँ पर पढ़ने के लिए अलाउ करेंगे, कैसी इमेज बनेगी आप लोग खुद सोच के देखो। मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। एक मेरा दोस्त है जो कि फिलहाल, मतलब एक तरीके से अभी रिसेंटली दोस्त बना, तो वो साउथ इंडिया का है, ठीक है। तो उससे बात हो रही थी तो उसकी जो सिस्टर थी उसने पूछा कि यार आप तो दिल्ली में रहते हो, मतलब नॉर्थ में रहते हो, दिल्ली के आसपास वाले रीजन में, तो आप ये बताइए कि आज की डेट में अगर मुझे अपनी सिस्टर को पढ़ने के लिए भेजना है वहां पर तो कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब मैंने कहा कि दिक्कत, मैंने कहा दिल्ली है यार, देश की कैपिटल है, वहां पर क्या दिक्कत होगी। कह रहे हैं कि यार नॉर्मली सुना है ना कि दिल्ली जो है वो देश की रेप कैपिटल है और वहां पर लड़कियां जो है वो सेफ सिक्योर नहीं है। मतलब ये सिचुएशन समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर पूरी राजधानी के ऊपर कलंक लग गया जब निर्भया वाला केस आप लोगों को देखने को मिला। इससे किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात नहीं की जा रही है, पूरी दिल्ली आप लोग समझ रहे हैं, पूरी दिल्ली, वहीं पर ही आप लोग देश में एम्बेसी देखने को मिलेगी, राष्ट्रपति भवन है, वहीं पर ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आप लोगों को देखने को मिलेगा, वहीं हमारी पार्लियामेंट है, वहीं आप लोगों को दिल्ली की असेंबली देखने को मिलेगी। मतलब एक तरीके से देश की राजधानी के अंदर भी लोग जो है अपनी बच्चियों को भेजने में सुरक्षित फील नहीं कर रहे हैं। तो इससे आप लोग सोच के देखो एक मिनट के लिए, तो किस तरीके की इमेज बनकर सामने निकल कर आती है जब किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में कोई ऐसी खबर निकल कर आती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एटलीस्ट यहाँ पर जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, अगर वो कॉलेज स्कूल में जाती हैं या फिर अपने काम पर जाती हैं तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए इस लेवल पर, ताकि दूसरे भी लोग जो है वो कंफर्टेबल फील करें। आप लोगों ने बबीता फोगाट और जो बेसिकली फोगाट फैमिली का आप लोगों ने सुना होगा गीता और बबीता वाला केस, कि जब तक वो निकल कर नहीं आई तब तक लोगों ने, किसी ने भी अपनी बेटियों को दंगल के अंदर में नहीं भेजा कि हाँ ये तो लड़कों का, मर्दों का खेल है। पर लेकिन आज की डेट में देखो कितने सारे मेडल जो है वो हमारी बेटियों ने जीते, तो ये सैल्यूट करने वाली बात है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि एटलीस्ट उनको वो काम करने का माहौल आप लोग दीजिए, और फिर अगर कोई न करे तो फिर आप लोग बताइए। तो एटलीस्ट इतना तो इंसान को करना ही चाहिए। और आज की डेट में जब हम लोग एक साइड में बात कर रहे हैं चांद पर पहुंच गए, मंगल पर पहुंच गए, और हम लोग सूरज पर पहुंच रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं आगे आने वाले टाइम में शुक्र ग्रह पर पहुंचने की, हम लोग अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं, हम लोग डीप ओशन मिशन में हम लोग जा रहे हैं, मतलब जब इतने बड़े बड़े साइंटिफिक हम लोग चीज कर रहे हैं, एक मिलिट्री और एयरफोर्स के अगर बात करें आर्मी के बारे में, एक मिलिट्री पावर के तौर पर हम लोग उभर कर आ रहे हैं, हम लोग स्टार्टअप के मामले बात करें दुनिया में थर्ड मोस्ट कंट्री हम लोग बन गए, मतलब इतने बड़े बड़े टारगेट हम लोगों ने अचीव कर लिए हैं आज की डेट में, फिर भी हम लोग एक फीमेल को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं उसके इवन कॉलेज या स्कूल के अंदर भी। ये सिचुएशन काफी शर्मसारा करने वाली होती है जब आप लोग इसको ढंग से समझोगे। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है। एटलीस्ट यहां पर आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे, ये अगर नॉर्मल हम लोग कर पाते हैं
तो और ही बहुत सारी बेटियां जो हैं वो बाहर निकल कर आएंगी और अपनी जो हुनर है, एक तरीके से अपना जो टैलेंट है, वो दुनिया के सामने रख पाएंगी। ठीक है, आप में से बहुत सारी लड़कियां हैं जो बाहर पढ़ती हैं, आप लोग कैसा फील करते हैं? कभी आप लोग को लगता है कि अनसिक्योर फील करते हैं? जैसे अगर कोई, आप लोग भी अपनी चीज़ शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जो बच्चे हैं जो बेसिकली मैसेज करती हैं, बात बताती है कि सर ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो एटलीस्ट यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, काफी कुछ डिस्कस करूंगा यार आज। आज का डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले, ये तो एक तरीके से केस स्टडी भी है। मान लीजिए जैसे ऊपर वाली जो अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस की जो ये न्यूज, ये एथिक्स के अंदर केस स्टडी बन जाएगी। आप लोग किसी ऐसे एरिया के एसपी हो या फिर डीएम हो जहां पर ऐसे इंसिडेंट फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं, तो इसको कैसे डील करोगे आप लोग? तो ये जो ऐसे इंसिडेंट आप लोगों के सामने आज की डेट में देखने को मिलते हैं ना, ये आप लोगों को आने वाले टाइम के लिए तैयार करते हैं कि कल को चलकर अगर ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है तो कैसे आप लोग उसके साथ में डील कर पाएंगे। ये कहीं ना कहीं एक केस स्टडी के तौर से भी आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के बारे में। आज का जो एक इंपॉर्टेंट यहां पर कोटेशन है आप लोगों के सामने, ये एक नई ऊर्जा देगा और सोचने का नजरिया आप लोगों का बदलेगा। बोला कि असफलता ये बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि भाई साहब अपने आप को झोंक दो, बाद में जो होता जाएगा उसको देखा जाएगा। मतलब कि 100% देने का मतलब समझते हो? जैसे आप लोगों ने कोई काम करना अगर डिसाइड किया है तो उसमें ये नहीं कि यार 5 मिनट बाद कर लेंगे, सुबह को उठना था यार 5 मिनट बाद में उठ लेंगे, यार वीडियो देखनी थी यार आज ना शाम को देख लेंगे, यार आज ना आंसर राइटिंग करना था आज छोड़ देते ना क्यों ना कल कर लेंगे, यार आज ना एक्सरसाइज करनी थी, अरे यार एक दिन तो गैप कर ही लेना चाहिए। लोग बताते हैं कि एक दिन गैप करने से ना थोड़ा सा मसल भी ना रिलैक्स हो जाती है। तो ये सारे जो बहाने इंसान अपने मन को देता है ना, ये बहाने इंसान को उसका टारगेट अचीव करने से रोकते हैं। अगर जिंदगी में इन बहानों से आप लोगों ने अपना मुंह मोड़ना स्टार्ट कर दिया कि मॉर्निंग में अलार्म लगा है सुबह 4 बजे उठने का, 5 बजे उठने का या 6 बजे उठने का, जो भी आप लोगों ने सेट करे वो अलार्म आपने सेट किया है तो उसी टाइम आप लोगों को उठना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है, जिस टाइम डिसाइड कर लिया उसी टाइम करनी है भाई साहब। 5-7 मिनट कोई रीजन हो गया, लेट हो गया तो समझ में आता है, पर मन की वजह से लेट हो जाना, देखो आप लोग किसी ने बोला थोड़ी ना आपके ऊपर, किसी ने गन पॉइंट रखकर आपकी कनपटी पे किसी ने थोड़ा ना बोला है कि तुमको सुबह उठना है, अपने खुद ने अलार्म लगाया था ना और फिर भी नहीं उठ रहे हो, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करो कि अपने आप को एक डिसिप्लिन वे में आप लोगों को लेकर रखना है। जो डिसाइड कर लिया आपने, डिसाइड किया है आपने, अचीव करना है आपकी लाइफ है। अगर लग रहा है कि कोई और आपकी लाइफ जो है वो इंप्रूव कर देगा आकर, कोई आप लोगों को अलादीन का चिराग मिल जाएगा, कोई जादू की छड़ी मिल जाएगी कि हाँ अभी मेरी जिंदगी जो है चेंज हो जाएगी, ये शेख चिल्ली वाले सपने होते हैं यार। अगर जिंदगी में इसी तरीके के सपने देखते रहोगे कि कोई और मेरी जगह आकर काम कर देगा, तो ना तो आज तक किसी के हैं ना ही आप लोग होने वाले हैं। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा उठाओ, अगर नींद में आप लोग सो रहे हो, कल को चलकर ऑफिसर आपको बनना है, कोई आपकी जगह ड्यूटी नहीं करेगा वहां पर। एक आईएएस ऑफिसर जो होता है ना, उसकी एक तरीके से जो जॉब होती है वो 24/7 की होती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे घर में मम्मी पापा होते हैं। इसलिए आप लोग ये थोड़ा ना बोलोगे कि मम्मी पापा 24 घंटे आप लोग की ड्यूटी में रहते हैं, किसी टाइम फोन कर दो आप लोगों का फोन उठा लेंगे, थोड़ा ना बोलेंगे कि अब ऑफिस का टाइम है, मम्मी सो गई या पापा सो गए हैं, इस टाइम अब ऑफिस का टाइम खत्म हो गया तुम लोगों का, अब घर पे कॉल नहीं आ जाना चाहिए। कभी भी कॉल कर दो, कोई भी परेशानी हो 24 घंटे आपके पास में आएंगे। सेम जॉब आप लोगों को एक आईएएस ऑफिसर की देखने को मिलेगी, तो उस तरीके का डेडिकेशन डिसिप्लिन आप लोगों की जिंदगी में अभी से ही आना स्टार्ट होना चाहिए, तभी आप लोग रियलिटी में ये चीज समझ पाओगे। ठीक है, बाकी ये है आज का डिसिप्लिन टेस्ट। बताइए आप लोग के कितने नंबर इसमें आए हैं, कौन टाइम पर आ गया है वीडियो देखने के लिए, पहले तो पीठ थपथपा लो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी सारे बच्चे जो हैं वो टाइम पर आ गए हैं। तो फिर से वही बात मैं बोलूंगा, बहुतों का ख्वाहिश होता है अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आने की। अगर आप लोग टाइम पर आ गए हैं तो अपनी पीठ थपथपा लो, तो आप लोग जो हैं बहुत ही सही डायरेक्शन में अपनी जिंदगी को लेकर चल पा रहे हो। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कम से कम अपने आप को आप लोग डेली इंप्रूव करने की कोशिश करो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एटलीस्ट अपने आप को उस पैटर्न में लाने की कोशिश करो, फिर देखना जिंदगी आराम आराम से आप लोग की इंप्रूव होती नजर आएगी। 99% लोग पता है क्यों फ्रस्ट्रेट रहते हैं, वो अपनी पास्ट की जिंदगी में जी रहे होते हैं। अगर आज आप लोगों ने डिसाइड किया है कि ये चीज फॉलो करनी है, तो ऐसा नहीं कि आप लोग मशीन है 100% फॉलो कर लोगे, एटलीस्ट 70-80% फॉलो करने की कोशिश करो, फिर देखो कितना मजा आता है। ये कौन है जो 5 में से 6 नंबर लेकर आ रहा है, अपने आप को ही 6 नंबर दे लिए 5 में से 5 है भाई साहब, 5 चीज लिख रखी है यहाँ पर, ये 6ठा नंबर किसका दिया है बताइए जरा मुझे। तो 5 में से 5 नंबर जिसके आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सही है, आप लोग अपनी जिंदगी को लेकर चल पा रहे हो। इसका मतलब है आप लोग शरीर का भी ध्यान रख पा रहे हो, आप लोगों ने एक्सरसाइज की, आप लोग यहाँ पर अपनी योजना बना पा रहे हो, अपना प्लान दिन का, तो आप लोग टाइम की रेस्पेक्ट कर रहे हो, और आप लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने आप को डिसिप्लिन में भी लेकर आ चुके हो, अगर टाइम से उठ रहे हो और सो रहे हो, और आप लोगों की मेमोरी भी काफी अच्छी है। अगर बिना बताए आप लोगों ने यहाँ पर वीडियो भी लाइक किया है, तो ये आप लोगों की मेमोरी बताता है कि मेरे बोलने से पहले आप लोगों ने काम किया है,
तो कहीं ना कहीं आप लोग की मेमोरी भी अच्छी है, पानी दे रहे हो तो बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी आप लोग की पूरी होती नजर आएगी। तो ये पूरा एक डिसिप्लिन जो है आप लोग के शरीर को हष्टपुष्ट करने वाला, मेमोरी को बढ़ाने वाला और टाइम को ढंग से यूटिलाइज करने वाला एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए है। ये चैलेंज 21 दिन तक फॉलो करो, फिर देखना आप लोगों की लाइफ में एक शानदार डेवलपमेंट, एक चेंज आता हुआ नजर आएगा। आप लोग रियलिटी में अपनी लाइफ में एक इंप्रूवमेंट पाओगे जो कि आप लोग समझ भी पाओगे आगे चलकर, ठीक है। और डिसिप्लिन में कहता हूं ना, 5 बाई अगर आप 5 आप लोगों को देना है और आप लोगों को अपने आप को एनालिसिस करना है, कोई और एनालिसिस नहीं कर रहा, ये बात ध्यान रखना, तो किसी के बोलने से नहीं, आपको खुद से अपने आप को डिसाइड करना है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये मार्क्स आप लोगों को अपने आप को खुद को देने हैं, किसी और के लिए नहीं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज डे है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी नहीं यार, ये तो दूसरा लग गया, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नहीं है, यहां पर यह इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये यहां पर दोनों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, दोनों की थीम भी यहां पर लगा दी है। वैसे आज का जो डे है वो किसके लिए है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर जो रिजर्व है, इसके ऊपर पूरा एक एडिटोरियल भी आ रखा है, ठीक है। तो वहां पर इसको काफी तसल्ली में मैं कवर करूंगा, इसके बारे में बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, आखिर बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा, और किस तरीके से ये फायदा पहुंचा रहा है हमारे देश के अंदर में, कितने बायोस्फीयर रिजर्व कहां कहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं उसके बारे में भी आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा। तो रियलिटी में एक काफी इंटरेस्टिंग और एक डिफरेंट सा टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि अक्सर क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है ना, उसके अंदर खासकर आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा, थोड़े से नहीं एक तरीके से जो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड और ये सब चीजें, क्यों, क्योंकि यूपीएससी का जो आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव और जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाला जो पेपर होता है प्रीलिम्स का, वो इकट्ठा होता है, तो इसलिए वो क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसे टॉपिक आप लोगों को नहीं छोड़ने, इनके ऊपर तो स्टार लगाकर आप लोग रख सकते हैं, तो तसल्ली में डिस्कस करेंगे आगे से अच्छे से, ठीक है। यहां पर एक काफी एक ऐसी घटना देखने को मिली जो आज के फ्रंट पेज पर भी है और 12th पेज पर भी है। मोब यानी कि भीड़ ने मणिपुर पुलिस के वेपन छीन लिए। तो मणिपुर पुलिस के वेपन अगर भीड़ ने छीन लिए हैं, पहले तो आप लोग मणिपुर की लोकेशन देखो, हमारे देश के अंदर में नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा राज्य है जो कि नागालैंड, आसाम और मिजोरम ये बॉर्डर टच करता हुआ नजर आता है, और इंटरनेशनल लेवल पर म्यांमार के साथ में बॉर्डर टच करता है, यानी कि 3 राज्य हमारे देश के और इंटरनेशनल लेवल पर म्यांमार, जिसको आप लोग पहले बर्मा बोलते थे, उसका बॉर्डर टच करता हुआ नजर आता है, इसका नाम है मणिपुर। मणिपुर राज्य के अंदर में पिछले कुछ टाइम में आप लोगों ने बहुत सारी घटनाओं के बारे में सुना होगा, अभी ऐसी एक घटना यहां पर देखने को मिली कि भीड़ इतनी हावी हो गई कि उसने पुलिस के वेपन छीन लिए। आप लोग इसको सोचकर देखो एक मिनट के लिए, जब भीड़ के हाथ में इतनी पावर आ जाए कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके सामने घुटने टेकता हुआ नजर आए, तो उस टाइम पर समझ लेना कि उस एरिया में कुछ ना कुछ गड़बड़े आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि भीड़ की कोई सूरत नहीं होती। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि भीड़ में जो काम कर निकल जाते हैं उसमें किसी को सजा भी नहीं मिल पाती है। रीजन क्या है? क्योंकि भीड़ एक ऐसी चीज है जिसको आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते हो, कि क्योंकि उसका कोई सिकल नहीं होता है, लोग आए बहुत सारे काम करके चले गए। इसलिए अक्सर आप लोगों ने सुना होगा मोब लिंचिंग के बारे में, मोब यानी कि भीड़ के द्वारा लिंचिंग कर देना, यानी कि किसी को मार देना, ये अपने ही आप में काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो 2 शब्द यहां पर आप लोग याद रखेगा, एक तो है डेमोक्रेसी और एक है मोबोक्रेसी। अभी यहां पर जो मेंबर है बेसिकली यहां पर जिनके द्वारा ये चीजें देखने को मिली, यहां पर ये है बेसिकली कुकी जो कम्युनिटी के, जिनके द्वारा आसाम राइफल के कैंप के ऊपर में यहां पर ये एक तरीके से अटैक कर और यहां पर अराउंड 700 आम जो एक तरीके से यहां पर जो एक तरीके से छीने गए इनके हथियार जो थे यहां पर ये बताई जा रही है। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि आज की डेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट के हाथ में रहती है। आप लोगों को पता है संविधान के अंदर में जब आप लोग जाते हैं 7 शेड्यूल के अंदर में 3 लिस्ट है, एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो यहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जब बात आती है, ये बात की जाती है किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा की जाती है। इसीलिए हर एक स्टेट के पास में अपनी खुद की पुलिस होती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, हर जगह जैसे आप लोग एमपी में जाओगे तो एमपी पुलिस होगी, यूपी में जाओगे यूपी पुलिस होगी, तमिलनाडु में जाओगे तमिलनाडु पुलिस, गुजरात में जाओगे गुजरात पुलिस, सबकी अपनी अपनी पुलिस है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल साहब जो है कई बार आप लोगों ने सुना होगा बोलते पाए जाते हैं कि मेरे हाथ में दिल्ली पुलिस दे दो। दिल्ली जो है वो हमारे देश के अंदर में एक यूटी है। यूटी का मतलब समझते हो, यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि केंद्र के द्वारा शासन किए जाने वाला प्रदेश। उसके अंदर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो एक तरीके से ड्यूटी है वो भी किसकी होगी, वो केंद्र की होगी, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है ना, केंद्र के द्वारा शासन किए जाने वाला प्रदेश। तो यहां पर इसीलिए अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैं इलेक्टेड होकर आया हूं जनता के द्वारा, तो मुझे ही यहाँ की पुलिस भी प्रोवाइड करा दो ताकि मैं यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रख सकूं। इसीलिए कुछ भी दिल्ली के अंदर में क्राइम होता है वो तुरंत होम मिनिस्ट्री के ऊपर में
आरोप लगा देते हैं कि होम मिनिस्ट्री जो है उसके हाथ में पुलिस है, हमको पुलिस ही नहीं देता है तो मैं क्या करूं। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। तो यहां पर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैंने बताया मॉब लिंचिंग के बारे में, जनता ने पकड़कर किसी को हैंग कर दिया, तो ये होता है मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी हमेशा अगर एक तरीके से इस तरीके से सोसाइटी में देखने को मिले तो आप लोग ये समझो वो ऐसे लोग हो जाते हैं, ना तो उनका यहां पर पुलिस में विश्वास है कि पुलिस जो है वो कुछ करेगी, क्योंकि वो अपने हाथ में हथियार लेकर बैठ गए पुलिस से छीन कर, तो पुलिस के ऊपर तो उनका वैसे ही ट्रस्ट खत्म हो गया। उनका जो ट्रस्ट है वो जुडिशरी में भी नहीं है, यानी कि जुडिशरी कोई जस्टिस कर पाएगी। पुलिस में उनका ट्रस्ट नहीं है, जुडिशरी में उनका ट्रस्ट नहीं है, स्टेट में उनका ट्रस्ट नहीं है कि यहां पर सरकार जो है कुछ कर पाएगी। तो इसी के चलते जब ऐसा माहौल बन जाता है कि भीड़ यानी कि मोब ने सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले ली, तो इसको कहते हैं मोबोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी होती है जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन, इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी बताइए जरा? ये डेफिनेशन दी गई थी इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए, ताकि डेमोक्रेसी को रियलिटी में समझा जा सके कि हाँ यार ये होती है डेमोक्रेसी। पर लेकिन रियलिटी में जब डेमोक्रेसी के ऊपर मोबोक्रेसी हावी पड़ जाती है, तो डेमोक्रेसी जो कि आप लोग बोलते हैं कि उसके ऊपर आज की डेट में एक क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आता है कि रियलिटी में जो सरकार चुनकर भेजी थी वो काम करने के लायक बची ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन यहां पर देखने को मिलती है। तो इसीलिए अगर आप लोगों से कोई पूछे डेमोक्रेसी और मोबोक्रेसी के बारे में, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। यहां पर रूल किया जाता है जनता के द्वारा। डेमोक्रेसी में जनता रूल करती है, जनता डायरेक्टली रूल नहीं करती है, अपने द्वारा चुने गए नुमाइंदे जिनको आप लोग एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद, जिनको आप लोग एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक, तो सेंटर में सांसद और स्टेट में विधायक को चुनकर भेजते हो, वो हमारे बिहाफ में यहां पर रूल और रेगुलेशन बनाते हैं, वो रूल करते हैं। पर लेकिन यहां पर कौन है? यहां पर कोई नहीं है, यहां पर मोब यानी कि एक भीड़ रहती है जिसका कोई अस्तित्व डायरेक्टली आप लोगों को पहचान में नहीं आएगा। कौन आकर क्या चला गया, किसने किसको मार दिया, किसको फांसी पर चढ़ा दिया, किसके साथ में, अभी आप लोग को देखने को मिला था ना जब इंसिडेंट निकल कर आया कि एक लड़की के नॉर्थ ईस्ट में कपड़े जो है उतार कर उनको घुमाया गया बेसिकली वहां पर, तो क्या था वो भीड़ी तो थी वो जो कर रही थी यहां पर, अगर वो वीडियो सामने ना थी तो किसको पता चलता कौन क्या करके निकल गया। तो इसको कहते हैं बेसिकली मोबोक्रेसी। और इसका घिनौना चेहरा ऐसा होता है कि जब ये हावी पड़ना स्टार्ट हो जाए ना एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाएगा, इतनी ज्यादा खतरनाक है। यानी कि जब जब स्टेट यानी कि सरकार आप लोगों की वीक होती हुई नजर आएगी, तब तब भीड़ यानी कि मोब जो है वो आप लोग को रूल करती हुई नजर आएगी। ये बात आप लोग समझ सकते हैं। यानी कि जब जब गवर्नमेंट जो है उसके हाथ में इतनी पावर नहीं है कि वो यहां पर भीड़ को कंट्रोल कर सके, तब तब ऐसी सिचुएशन आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगी। तो इसलिए जरूरी है भीड़ को कंट्रोल करना, अगर रियलिटी में इसका सॉल्यूशन चाहते हो तो एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर सिक्योरिटी फोर्स यहां पर होनी चाहिए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। वरना कोई भी इंसान जो है वो सिक्योर और कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएगा। जो उसकी आजादी है, जो उसको फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं कि आसानी से अपना बिजनेस कर सके, आप लोग खुद सोचो जहां पर मोबोक्रेसी देखने को मिलेगी, क्या कोई इंसान आसानी से बिजनेस कर पाएगा वहां पर? वो इंसान जो है वो वहां पर अपने काम ही कंप्लीट नहीं कर पाएगा, पता नहीं कहां से कौन सी भीड़ आकर क्या करके चले जाए। तो ये चीज आप लोग यहां पर समझ सकते हो, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक आप लोग यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ये कैसा आर्टिकल है जो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया, ये ऐसा आर्टिकल है जो कि हिंदू के अंदर भी कवर किया जा रहा है, हर एक न्यूज़पेपर के अंदर आप लोगों को ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में एटलीस्ट इस दोनों चीजों के बारे में आप लोगों को यहां पर याद रखना है, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक जो आर्टिकल है ये आर्टिकल हालांकि मैंने कल आप लोगों से डिस्कस किया था, जिसमें मैंने गवर्नर के बारे में आप लोगों से बात की थी। ठीक है, कल नहीं परसों डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से बात की थी गवर्नर के बारे में, कि तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। किसके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं? उनके द्वारा, बेसिकली तमिलनाडु की सरकार के द्वारा, कि बिल जो है उसको लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, सेम कंडीशन आप लोगों को यहां पर बिल्कुल वो कब हुई आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिलेगा। सेम काम किया जा रहा है किसके द्वारा? ये किया जा रहा है केरला के गवर्नर के द्वारा, जो बिल को पेंडिंग कर बैठ जा रहे हैं, उसको जो है एक तरीके से अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नर वाला वो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा, फिर से 15 से 20 मिनट जो है वेस्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। परसों की वीडियो देख लेना, बहुत ही तसल्ली में मैंने पूरा का पूरा ये समझा है। बिल्कुल बस तमिलनाडु की जगह गवर्नर को रिप्लेस कर, तमिलनाडु की जगह केरला को रिप्लेस करते पूरा आर्टिकल आप लोगों का तैयार हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जिसने सुने थे देखता हूं वो आंसर दे पाता है कि नहीं दे पाता है। गवर्नर जो है उसको किस पार्ट में रखा गया है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, यानी कि जो गवर्नर की जो पोस्ट है उसको संविधान के अंदर में किस पार्ट में रखा गया है, पहले तो आप लोगों को पार्ट बताना है, फिर आप लोगों को पूरा का पूरा यहां पर आर्टिकल बताना है कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक यहां पर रखे गए हैं। दूसरा आप लोगों को यहां पर यह बताना कि गवर्नर जो होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। अगर एक गवर्नर को एज ए गवर्नर के तौर पर अपॉइंट करना है
तो उनकी क्वालिफिकेशन आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी, आप लोगों को यहां पर यह बताना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन से ये पता चलेगा कि वो जो आर्टिकल आप लोगों ने सुना था कितना आप लोगों को याद है। एक क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि यहां पर बेसिकली जो गवर्नर है उसके हाथ में बिल को लेकर चार पावर होती है, वो चार पावर कौन कौन सी होती है। ये चारों की चारों मैंने डिस्कस की थी, ठीक है। किसी बिल को अप्रूवल करने के लिए चार कंडीशन होती है, ठीक है, और किसी बिल को रोकने के लिए भी मैंने कंडीशन बताई थी। अगर पांच चौथी जो कंडीशन थी उसमें था कि प्रेसिडेंट के लिए बिल को जो है बेसिकली गवर्नर जो है वो रोकेंगे, तो जो प्रेसिडेंट के लिए बिल को जो है वो गवर्नर रोकेंगे, मैंने ये पूछा था आप लोगों से कि कौन कौन सी कंडीशन में गवर्नर जो है वो उस बिल को यहां पर रोकेंगे, ये चीज भी आप लोगों को बतानी है। कुछ कंडीशंस मैंने आप लोगों को बताई थी ना, ये सारी की सारी वो की वही चीजें जो है आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि डायरेक्टली कई सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो रिपीटेडली आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पहले सेम आर्टिकल तमिलनाडु के बारे में डिस्कस किया, तमिलनाडु को रिप्लेस कर सेम आर्टिकल आप लोगों का केरला के बारे में आ गया। तो अगर आप लोग बेसिक और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को एक बार कवर कर लेंगे, अब ये समझो कल को ये चीज तमिलनाडु में हो रही थी, आज ये चीज केरला में हो रही है, कल को ये चीज कर्नाटक में हो रही है, फिर आंध्र प्रदेश में हो रही है, फिर यूपी में हो रही है, फिर राजस्थान में हो रही है, फिर गुजरात में हो रही है, फिर मध्य प्रदेश में हो रही है। अब किसी भी स्टेट में ये चीज आप लोगों को देखने को मिले, आप लोग ये समझ सकते हैं कि मेजर पोर्शन आप लोगों का क्या है, वो है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। वो आप लोगों ने कवर कर ली कि गवर्नर का रोल क्या है यहां पर, उस चीज को आप लोगों ने एक बार कवर कर लिया स्टेटिक पोर्शन। अब किसी से रिप्लेस कर लो, डेली न्यूज आएगी, पर लेकिन आप लोगों का काम क्या है वो कंप्लीट है, आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप लोग कई बार बोलते हैं ना कि सर स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, बाद में वो टाइम कैसे कम हो जाता है, बाद में वो टाइम ऐसे कम हो जाता है, जैसे ये आप लोगों को देखने को मिला। सेम चीज थी तमिलनाडु के अंदर में, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो केरला के अंदर में लेकर बैठेगा, सारी चीजें फिर से कवर करेगा, उसको पता ही नहीं होगा। पर जिसने एक बार कवर कर लिया अच्छे से, अब किसी भी राज्य के अंदर में आ जाए, चाहे इवन दिल्ली के बारे में, यूनियन टेरिटरी के बारे में भी कोई आप लोगों से पूछे, कल को चलकर वेस्ट बंगाल के बारे में कोई आप लोगों से पूछे, तो आप लोगों ने स्टेटिक पोर्शन को कवर कर लिया है। तो ये चीज आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि एक बार अपना बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लो, कवर कर लो उसको, फिर बस आप लोगों को न्यूज़पेपर में को एक बार को नजर मिलानी है, सरसरीरी नजर। और कहते हैं ना कि आधे घंटे पौने घंटे में न्यूज़पेपर कवर हो गया, तो ये उन खिलाड़ियों का कवर होता है जो अपना बेस तैयार करके चलते हैं। तो अगर आप लोगों को खिलाड़ी बनना है तो एटलीस्ट अपना बेस जो है वो तैयार करके चलना स्टार्ट कर दो स्टार्टिंग से, ताकि एंड में आप लोगों को ये चीजें ज्यादा हैवी ना पड़े। फिर आप लोग कुछ भी करोगे तो आप लोगों को सारी चीजें पता होगी, बस रिवीजन होता हो आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। तो यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा, काफी सारे बच्चों ने काफी अच्छे से आंसर दिए, यहां पर मजा आ रहा है देखकर कि हाँ आप लोगों ने अच्छे से इसका मतलब आर्टिकल सुने थे, ठीक है। एक बार देख लेना, फिर भी अगर लगेगा किसी को डाउट, क्योंकि यहां पर आ गया फिर पता है मुझे एडिटोरियल में आएगा, तो फिर से इसको एक आध दिन के अंदर रिपीट कर देंगे अगर दिक्कत होगी, ठीक है। दो ही दिन पहले पढ़ाया कोई मतलब नहीं है 20-25 मिनट बेकार करने का, ठीक है। आगे चलते हैं, ये एक काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों ने वो डायलॉग सुना है कि तुम्हारा कुत्ता टोमी मेरा कुत्ता कुत्ता, ठीक है, तो वो वाला डायलॉग इसके ऊपर बिल्कुल सटीक इंप्लीमेंट होता है। कैसे होता है वो मैं आप लोगों को बहुत ही तसल्ली में, बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगा। बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, ये बिल्कुल आप लोग ऐसे बोल सकते हो, यानी कि अगर मेरे घर में चोरी हो जाए तो भाई साहब चोर चोरी करके ले गए, और तुम्हारे घर में चोरी हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि पता नहीं क्या हो गया। मतलब एक तरीके से ना आप लोग इसके ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब मेरे घर पर कोई अटैक करे तो वो अच्छा अटैक है, तुम्हारे घर पर किसी ने अटैक कर दिया तो वो बुरा अटैक है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग कितना दोगलापन है। तो इस दोगलापन लाते कहां से हो ये बता दो। पाकिस्तान, ये बेसिकली पाकिस्तान की सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। जो बातें मैं आप लोगों से यहां पर डिस्कस करूंगा वो बातें आप लोगों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रियलिटी बताएगी। ये गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। हमारे ऊपर अटैक किया जिस टेररिस्ट ने वो टेररिस्ट अच्छा है, पाकिस्तान के ऊपर जिसने अटैक किया वो टेररिस्ट खराब है। ये सिचुएशन आप लोग समझोगे तो आप लोगों को रियलिटी में समझ में आएगा कि हरकतें कहां से निकल कर आती है, ठीक है। तो ये बातें मैं आप लोग बता दूं। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और मैं आप लोग को बता दूं क्लासेस के बारे में। एप्लीकेशन के ऊपर में जो क्लासेस चल रही है वो रेगुलर आप लोग जो देख रहे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा कि टेस्ट भी आप लोग के आगे होने स्टार्ट होंगे। बाकी जो यूपीएससी सीडीएस और इनके तो सबके टेस्ट आप लोग के चल ही रहे हैं, जो आरओ के हैं उसकी भी आगे टेस्ट होंगे, उसके लिए टेंशन मत लेना। कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर टेस्ट होंगे क्या। जी हाँ टेस्ट होंगे आप लोगों के, लगभग 1.5-2 महीने पहले जब आप लोगों का पेपर होगा उससे पहले प्रॉपर टेस्ट प्रैक्टिस और पुराने क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस आप लोगों की कराई जाएगी। हिंदी की क्लास भी आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है, जिस किसी ने देखी है अच्छी बात है, नहीं देखी है तो इस SLV सिविल सर्विसेज के नाम से जो दूसरा चैनल है वहां पर भी जाकर देख सकते हैं, और एप्लीकेशन पर भी डेमो है वहां पर भी जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बाकी शेड्यूल प्रॉपर ही है जो आप लोगों का शेयर कर दिया जाता है, तो ये दोनों चीजें आप लोग एप्लीकेशन से भी देख सकते हैं और वेबसाइट studylovervid.in दोनों जगह से देख सकते हैं। अगर कभी कभी एप्लीकेशन में कुछ चीजें नहीं चल पा रही है, कई बार इशू होते हैं, कुछ टेक्निकल इशू होते हैं, तो वेबसाइट पर देख लीजिए, आपका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। यहां पर भी आप लोगों को सारी क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी ये थी कुछ बेसिक बातें, आइए फिर से आर्टिकल पर आते हैं। अभी मैं आप लोगों से जो बात करूंगा आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। पाकिस्तान के अंदर में आज की डेट में बहुत सारे अफगानिस्तानी रिफ्यूजी हैं। सर अफगानिस्तानी रिफ्यूजी पाकिस्तान के अंदर में क्यों?
अफगानिस्तानी रिफ्यूजी पाकिस्तान में इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान में काफी लंबे समय से जो है, पहले अगर मैं थोड़ा सा पुराने टाइम में आप लोगों को लेकर चलूं तो आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि यूएसएसआर हुआ करता था जिसमें 15 कंट्री थी मिलाकर लगभग अगर देखा जाए, और वो अफगानिस्तान पर रूल किया करता था, यानी कि अफगानिस्तान को एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अपने कंट्रोल में रखा करता था यूएसएसआर। तो उस टाइम पर यूएसए जो था वो क्या करता था, वो यहां पर तालिबान जैसे जो लोकल टेररिस्ट थे उनको सपोर्ट किया करता था ताकि इसमें से अफगानिस्तान में से रसिया को उठाकर फेंका जा सके। मतलब रसिया जो है वो अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहिए, रसिया को अफगानिस्तान में से उठाकर बाहर फेंकना है, रसिया बोल रहा हूं, यूएसएसआर समझना, ठीक है। तो यहां पर उस टाइम पर तालिबान को खूब पैसा प्रोवाइड कराया गया यूएसए के द्वारा, खूब हथियार प्रोवाइड कराया गया यूएसए के द्वारा ताकि ग्राउंड लेवल पर तालिबान जो है वो एक खूंखार आतंकवादी बन जाए, और रसिया की जो सिक्योरिटी फोर्स है यहां पर अफगानिस्तान के अंदर में उनके नाक में जो है वो दम हो जाए। तो ये सिचुएशन यहां पर देखने को मिलती थी अफगानिस्तान के अंदर में। तो उस टाइम पर भी जब ये माहौल बना हुआ था अफगानिस्तान के अंदर में, बहुत सारे अफगानिस्तानी जो लोग हैं अपनी जान बचाकर उस टाइम पर भी पाकिस्तान के अंदर में रिफ्यूजी के तौर पर वो यहां पर गए थे, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पर यहां पर मारकाट ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलती थी जब दोनों ग्रुप जो लड़ा करते थे। ये जो मैं बातें आप लोगों को बता रहा हूं, ये 1980s की बातें बता रहा हूं, काफी लंबे समय तक यहां पर जो बेसिकली जो यूएसएसआर यानी कि रसिया ने रूल किया है। फिर रसिया को समझ में आ गया कि यहां पर पैर टिकने वाले नहीं है, रसिया वहां से छोड़कर चला गया। अब रसिया छोड़कर चला गया तो जो कुत्ता यूएसए के द्वारा पाला गया था टुकड़े डाल डालकर जिसका नाम है तालिबान, वो तालिबान आज की डेट में इतना स्ट्रांग हो गया कि वो ग्राउंड लेवल पर उसको ये लगने लगा कि अब तो तुम ही यहां के एक तरीके से ना करता धरता हो। बिल्कुल ऐसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश के अंदर में क्या करने आई थी, वो व्यापार करने आई थी यार, वो ट्रेड करने आई थी, पर ट्रेड करते करते उसको ये दिखने लगा कि यहां पर तो तू एडमिनिस्ट्रेटिव बन सकती है। मतलब जो इंसान कहीं किसी नई सिटी में चला जाए तो उसको ये समझ में नहीं आता है कि इस सिटी में कहां पर दूध की दुकान है और कहां पर न्यूज़पेपर है, उसको ये समझ में नहीं आता है, और वो देखते ही देखते वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन करने लगे। तो इसका मतलब है कि ग्राउंड लेवल पर जो सरकार चल रही है वो भाई साहब बिल्कुल ही एक तरीके से निठल्ली है, वो कुछ नहीं कर पा रही है, उनकी हालत बिल्कुल खस्ता है, आपस में लड़ रहे हैं। तो इसलिए यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रूल कर पाई। सेम पैटर्न में यहां पर कंडीशन ऐसी नहीं थी कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अफगानिस्तान के अंदर में हो, तो पहले यूएसएसआर और उसके बाद में तालिबान जो है वो यहां पर बेसिकली पैर पसारने लगा। अब आप लोगों को पता है जब यूएसए ने इस तालिबान को सपोर्ट किया उस टाइम पर, तो यूएसए उस टाइम पर तो खुश था कि भाई साहब तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं और रसिया को यहां से निकाल के फेंक दिया। पर लेकिन जब ये तालिबान वहां पर मार काट करने लगा और वहां पर अटैक करने लगा पाकिस्तान के अंदर भी सब जगह, तब यहां पर दुनिया ने यूएसए को बोला कि तुम्हारा कुत्ता जो है वो इतना खतरनाक हो गया आज की डेट में कि वो जो है दुनिया को काट रहा है। तो यहां पर उस टाइम पर यूएसए को लगा कि हाँ यार कुछ गड़बड़ कर दी है। अब फिर यूएसए चलता है अपने हथियार उठाकर तालिबान को कंट्रोल करने, ये लगभग 2000 के एयरफेयर में, मतलब 2001 लगा सकते हैं आप लोग यहां पर, ये उस टाइम पर गया जब यहां पर खुद यूएसए के अंदर में एक बिल्डिंग उड़ा दी, उसके ऊपर जो उसका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसके अंदर से हवाई जहाज निकाल दिया। भाई साहब इतना पैसा आ गया लोगों के पास में कि इसके ऊपर से हवाई जहाज निकाल के चला गया इसके अंदर से यूएसए के अंदर में, जो कि ये बोला करता था कि मैं दुनिया चलाने वाला हूं। मतलब उसी के वो नहीं कहते कि उसके मुंह पे थूक के चला गया एक तरीके से, जो यहां पर जो टेररिज्म जो जिसको यहां पर ये सपोर्ट कर रहे थे। अब इनको लगा यार ये तो गड़बड़ होगी, कौन हमारी मानेगा अगर हम लोग यहां पर इस तरीके की चीजें यहां पर कर रहे हैं कि यहां पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर इन्होंने कहा कि हम लोग तालिबान को हटाएंगे यहां पर। 20 साल तक लगभग पूरा ये आप लोग बोल सकते हैं पूरा 20 साल तक यहां पर ये इन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान के अंदर में यूएसए की फोर्सेस पड़ी रही तालिबान के साथ में लड़ती रही, नाक रगड़कर बाद में उसी तालिबान को पावर देकर अब यहां से निकलकर चले गए जो बाइडन, और फिर से वही तालिबान जो है वो पावर में है। इसी तालिबान को यहां पर जो पाकिस्तान है वो बोलता है बैड टेररिज्म, क्यों, क्योंकि ये तालिबान जो है जब चाहे यहां पर क्या करता है पाकिस्तान के अंदर भी जब चाहे यहां पर अटैक करा देता है, उल्टी सीधी हरकतें कई बार देखने को मिलती है। तो जो रीजन है वेस्ट पाकिस्तान वहां पर कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, कई सारे इनोसेंट लोग जो हैं जो मारे जाते हैं दोनों के बॉर्डर पर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर का जरा नाम बताइए, देखता हूं आप में से कौन कौन यहां पर नाम बता पाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर के बीच में नाम क्या है उसका। तो यहां पर ये जो टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर में जो हरकतें करते हैं ये इनको बैड टेररिस्ट बोलते हैं। पर लेकिन जैसे यहां पर एलईटी हो गया, ये हिजबुल्ला मुजाहिदीन वाले ये लोग हो गए जो कि यहां पर ईस्ट पाकिस्तान में यहां पर ये अपना रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये इंडिया के अंदर में आकर टेररिज्म फैलाते हैं। आप लोगों को पता है ताज पर अटैक और ऐसे दुनिया भर के अटैक हमारे देश में देखने को मिलते हैं, तो ये इनको गुड टेररिस्ट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये इनके ऊपर नहीं काटते, वो कुत्ता जो अपने को ना काटे वो अच्छा कुत्ता, जो दूसरे को काटे वो मतलब जो अपने को ना काटे वो तो एक तरीके से अच्छा कुत्ता हो गया, भले ही दूसरे को किसी को काटता रहे, जो दूसरे को काट रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब अपना कुत्ता जो है वो तो टोमी हो गया और दूसरा कुत्ता कुत्ता हो गया, सामने वाले पर कोई अटैक कर रहा है तो वो एक
अच्छा टेररिज्म यार, हमारे ऊपर अटैक थोड़ी ना कर रहे, अपने ऊपर अटैक कर देते, बुरा टेररिज्म हो गया। तो ये डेफिनेशन पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रखी, ऐसी हरकतें यहां पर सामने निकल कर आई। अब पाकिस्तान को डर क्या हो गया? पाकिस्तान को सबसे खतरनाक डर पता है क्या? आप लोग खुद समझिए। आखिर एक छोटा सा उदाहरण ऐसा दूंगा जो बड़ा ही बेहतरीन है, आप लोग कहीं किताबों में देखने को नहीं मिलेगा जो उदाहरण मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, पर लेकिन कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर करके जाएगा ये उदाहरण आप लोगों के। आप लोगों को पता है कि हमारा देश जो है आजाद हुआ 1947 में। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तो उस टाइम पर दो पार्ट बन गए हमारे देश के, दो कहने के लिए दो बने, आगे चलकर तीन बन गए। एक तो हमारा पार्ट हो गया जिसको आप लोग इंडिया यानी कि भारत बोलते, दूसरा पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज की डेट में भी पाकिस्तान कहलाया जाता है, और तीसरा पोर्शन आप लोगों को देखने को मिला जिसको बोला गया था ईस्ट पाकिस्तान जिसको बाद में चलकर बांग्लादेश बोल दिया। जब यहां पर हमारे देश के अंदर में आजादी हो गई, हमारे देश के अंदर में इलेक्शन हुए प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, हमारे देश के अंदर में लोग जो है चुनकर आ रहे हैं, अपनी आजादी को एंजॉय कर रहे हैं, पर लेकिन ऐसी फीलिंग ईस्ट बंगाल के अंदर में जो आज के में आप लोग बोल सकते हैं, जिसको ईस्ट पाकिस्तान बोल सकते हैं आप लोग यहां पर, जो आगे चलकर बांग्लादेश बना, उनको वो फीलिंग नहीं मिल पा रही थी। जबकि आजादी के टाइम पर सबसे ज्यादा जो एक तरीके से जो मूवमेंट निकल कर आए वो बंगाल से निकल कर आए, उसके ऊपर एक मिलिट्री रूल कर रही थी जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री आप लोग कह सकते हैं, तो उनको वो चीज ज्यादा लंबे समय तक पची नहीं, और इसके चलते 1971 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी आजादी छीन ली और एक नया देश बनकर आ गया बांग्लादेश। वो अलग बात है कि इंडिया ने भी काफी बड़ा रोल प्ले किया यहां पर। अब जो इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं वो सुनिएगा, बांग्लादेश ऐसा कैसे कर पाया? क्योंकि पड़ोस में इंडिया था जहां पर बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, आजाद होकर आजादी की सांस ले रहे थे। अब इसी का डर है पाकिस्तान को। मतलब क्या है? मतलब जब तालिबान में एक टेररिज्म, बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर में एक टेररिज्म जिसका नाम है तालिबान, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बनकर बैठ गया है, तो इसकी क्या गारंटी नहीं है कि जो तालिबान यहां पर पाकिस्तान के अंदर में है वो कल को पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन से उनकी जो है बेसिकली पावर नहीं छीनेगा और वो पावर में नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है? आप लोग ये बताइए। मतलब ये तो वो है ना कि एक तरीके से कि क्या दिखता है, मतलब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना, वही वाली चीज आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। आज इनको इस चीज का डर हो रहा है कि कल को चलकर अगर यही टेररिज्म अगर हमारे सर पर आकर बैठ गया, हमारे वाले जो टेररिस्ट हैं जिनको हम लोग गुड टेररिस्ट बोलते थे, अब वो अपने हाथ में पावर लेकर बैठे, क्योंकि उनके मन में भी तो आएगा ना यार, पड़ोसी वाला हमारा दोस्त जो है वो पावर छीन के बैठ गया, बेसिकली अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से, इवन यूएसए की पावर से वो पावर छीन के बैठ गया, तो उनके मन में आएगा ना कि यार ये काम तो हम भी कर सकते हैं अपने एरिया में। ऐसे ही होता है ना, जब कोई एक इंसान एग्जाम निकाल लेता है, उसने निकाल देता है, यार हम भी कर सकते हैं, तो यही चीजें आप लोग देख सकते हैं। तो जो ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया था ना बांग्लादेश के अंदर में, उसने इतनी मतलब मारकाट मचाई थी, उसके बाद भी बांग्लादेश वालों ने क्या किया, अपनी पावर अपने हाथ में छीन कर ले ली। ये बात आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सेम कंडीशन अब पाकिस्तान को डर लग रहा है। इसीलिए पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, अब पाकिस्तान की कहानी सुनो जो एडिटोरियल में लिखी गई है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को पड़ोसी के बारे में सारी ना एक तरीके से इंफॉर्मेशन इस तरीके से देगा कि सुनकर भी आप लोगों का मजा आने वाला है। अभी फिलहाल के टाइम पर कंडीशन ये है कि जब यहां पर यूएसए चला गया, रसिया चला गया निकलकर यहां से, और यहां पर यूएसए आ गया, और फिर यूएसए भी चला गया, अब तालिबान आ गया अफगानिस्तान के अंदर में। ये तालिबान जो है बहुत ही टाइट रूल फॉलो कर रहा है, औरतों को जो है उनको कोई अधिकार नहीं मिल रहे हैं, अपने हिसाब से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है। तो इस टाइम पर कंडीशन ये बन गई ग्राउंड लेवल पर, बहुत सारे लोग जो है वो रिफ्यूजी बन गए हैं अफगानिस्तान से निकल कर, बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान में आ गए। ऐसा नहीं अभी आ गए, जैसा मैंने बताया आप लोगों को पहले भी आ रखे थे, पहले भी अफगानिस्तान से आ रखे थे जब यहां पर यूएसएसआर रूल किया करता था, अब और ज्यादा यहां पर आकर बसने लगे हैं ये। अब यहां पर अभी क्या हुआ, जिसकी वजह से आर्टिकल लिखा गया, अभी रिसेंटली 31 अक्टूबर तक ये बोला जो पाकिस्तान की सरकार ने कि जो भी हमारे देश के अंदर में आज की डेट में तालिबानी है, अफगानिस्तान से जो भी लोग आए हैं वो देश छोड़कर चले जाएं, 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट यहां पर इनके द्वारा दे दी गई। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हमारे देश के अंदर में टेररिज्म फैल रहा है, इसकी वजह से हमारे देश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है, हमारे देश के अंदर में इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो सही नहीं हो पा रही है। किसकी वजह से? क्योंकि रिफ्यूजी हमारे देश में बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत ही ह्यूज इंपैक्ट पड़ रहा है। समझ रहे हैं आप लोग इनकी हरकतें क्या चल रही है? तो इंपैक्ट बता दिया इन्होंने कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, पर लेकिन रियलिटी में जो है वो कुछ और ही है। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा आंकड़ा बता देता हूं जिससे आप लोग चीजें कनेक्ट कर पाएंगे। आज की डेट में अगर कोई आप लोगों से पूछे कि कितने सारे अफगानिस्तानी पाकिस्तान के अंदर में हैं, तो 1.3 मिलियन रिफ्यूजी हैं, यानी कि 13 लाख के करीब जो हैं अफगानिस्तानी जो हैं आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर में रिफ्यूजी के तौर पर हैं, और लगभग 8,80,000 के करीब लोग वो हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर, जो अफगानिस्तान के अंदर में, जो कि जिनके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी है। बहुत सारे तो ऐसे जिनके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। पाकिस्तान ये बोलता है कि 1.7 मिलियन है मेरे अंदर, यानी कि 17 लाख के करीब लोग हैं जिनके पास में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इलीगली है। मतलब आंकड़े अलग अलग है, कुछ कोई आंकड़ा कुछ बताता है, कोई आंकड़ा कुछ बताता है, मिला जुला कर बात यह है कि
पुराने टाइम से लेकर जब यह स्टार था आज तक का काफी सारे रिफ्यूजी जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर में हैं। और पाकिस्तान की हालत अभी कैसी हुई, वो आईएमएफ के सामने कटोरा लेकर गया कि भाई साहब बहुत ही बुरी कंडीशन हो रखी है, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। उससे पहले यहां पर ये क्या था, FATF फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में यहां पर डाल रखा था, तो उसके चलते यहां पर काफी सारी दिक्कतें देखने को मिल रही थी। तो फिलहाल के टाइम पर अपने अंदर जितनी भी दिक्कत चल रही है तो यहां पर उसका सारा ठेकरा इन्होंने क्या किया, इन रिफ्यूजी के ऊपर छोड़ दिया। अभी आप लोगों ने देखा जब पाकिस्तान को हराया गया अफगानिस्तान की फोर्सेस जो यहां पर क्रिकेट के द्वारा, उस टाइम पर इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, उन्होंने अपनी जो जीत थी वो डेडिकेट पता है किसके लिए की, उन रिफ्यूजियों के लिए की, यहां पर जिन रिफ्यूजियों को पाकिस्तानी जो है अपने वहां से भगा रहे हैं उन अफगानिस्तानी रिफ्यूजियों के लिए उन्होंने अपनी जीत डेडिकेट कर दी। पाकिस्तान इससे तिलमिला उठा कि यार ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये अपनी जीत जो है उनके लिए डेडिकेट कर दी, ये तो हमारी इंसल्ट हो गई। तो इससे पाकिस्तान काफी लार्ज स्केल पर तिलमिला उठा, तो माहौल और ज्यादा खराब यहां से होना स्टार्ट हो गया। तो अब पाकिस्तान के अंदर में जितनी बुरी कंडीशन है, हाइपर इन्फ्लेशन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, करेंसी जो है इतनी डिप्रिशिएट हो चुकी है कि उसका कोई ज्यादा मूल्य रह नहीं गया है, तो गवर्नमेंट जो कि आज के में वहां पर रूल कर रही है वो क्या कर रही है, उसका ठेकरा सारा का सारा इन रिफ्यूजी के ऊपर फोड़ दे रही है। इसका एक उदाहरण आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, एक बच्चा है जो लाइफ के मजे कर रहा है, भाई साहब वो जब मन करे मूवी देख रहा है, जब मन करे दोस्तों के साथ में घूम रहा है, जब मन करे वो जो है अपना एक तरीके से रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहा है, मतलब सारी जिंदगी के मजे कर रहा है छोड़कर पढ़ाई को। अब रिजल्ट आता है, रिजल्ट आते ही वो बच्चा है वो फेल हो गया। भाई साहब रिजल्ट कैसे आ जाएगा जब हरकतें इतनी चल रही है, जिंदगी में कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, वो घर वालों को बता रहा है कि मेरे रूममेट ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। बाहर वाले पूछ रहे क्यों फेल हो गया, भाई साहब घर वालों ने बहुत ज्यादा टेंशन दे रखी थी, शादी शादी चिल्ला रहे थे बार बार, इसलिए मैं फेल हो गया। अपनी करतूते नहीं बता रहा कि मेरी करतूते क्या थी, ये सिचुएशन नहीं बता रहा है, वो क्या बता रहा है, घर वालों को कह रहा है रूममेट की वजह से फेल हो गया, कोचिंग की वजह से फेल हो गया, टीचर टाइम पे नहीं आते थे, पढ़ाते नहीं थे, छुट्टी मारते थे बहुत ज्यादा और बिल्कुल भी पढ़ाने के मूड में नहीं रहते थे। और घर वालों को क्या बता रहे, बाहर वालों को, कि घर वालों ने टेंशन दे रखी है, शादी शादी चिल्ला रहे, वैसा पढ़ नहीं पा रहे। ये सिचुएशन रियलिटी में आप लोगों को देखने को मिल रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर में जो दिक्कत है ना, वो आज की डेट में जो दिक्कत है वो उनकी पॉलिटी और मिलिट्री जो लीडरशिप है उनकी खुद का फेलियर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और उस फेलियर का ठेकरा ये अफगानिस्तान की रिफ्यूजी के ऊपर ये बेसिकली फोड़ रहे हैं। और इसीलिए जो शब्द यूज किया ना कि आर्टिकल लिखने वालों ने, बड़ा ही इंटरेस्टिंग शब्द यूज किया गया, ये स्कैपगोट, स्कैपगोटिंग का मतलब समझते हो, मतलब बलि का बकरा बनाना, यानी कि अफगानिस्तान के रिफ्यूजी को ये बलि का बकरा बना रहे हैं ये बोलकर कि हमारे देश के अंदर में जितनी भी सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन खराब हो रही है वो इनकी वजह से हो रही है, जबकि तुम खुद अपने देश के अंदर में इतने सारे सांप पाले बैठे उनको दूध पिला रहे हो, जब उनको दूध नहीं मिलता है वो तुम्हारे को काटने की, तुमको ही काटने स्टार्ट कर देते हैं, उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ये चीज आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो वहां फिरा के बोले तो ये अफगानिस्तान को स्कैपगोट बता रहे हैं, बाकी अपने देश की प्रॉब्लम चल रही है बहुत ही, इनको इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपनी इकोनॉमी को अच्छे से लेकर चलना है, अपने देश के अंदर में इंप्लॉयमेंट जनरेट करना है, अपने देश के अंदर में एक तरीके से एजुकेशन को प्रमोट करना है, इनको इस चीज से पूरा दिक्कत है कि इंडिया कैसे, यानी कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके ऊपर कैसे अटैक किया जाए, उसके साथ में कैसे जो है सींग लड़ाए जाए, इस पर पूरा फोकस रहता है। और इसी के चलते आज के डेट में ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी कि ये जो देश है एक फेलियर देश होता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को। यहां पर हमारा देश, दो देश साथ में चले, एक देश जो है वो आज के में मतलब रूल कर रहा है दुनिया के ऊपर में, और दूसरा रेल क्या है वो यहां पर है। यूएन ने भी कई बार वार्निंग दे दी कि ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी देखने को मिल सकती है पाकिस्तान के अंदर में, जितने वॉयलेंस देखने को मिल रहे हैं कि दुनिया भर के लोग यहां पर भुखमरी का शिकार बन सकते हैं, ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो ऐसा खराब कंडीशन है ग्राउंड लेवल पर आज की डेट में पाकिस्तान की, ये हालत है आज की डेट में, समझ सकते हैं आप लोग यहां पर, ठीक है। तो पूरी कहानी समझ में आ गई, कोई डाउट था किसी को, कोई दिक्कत है यहां पर, अगर पूरा आर्टिकल जैसे मैंने बताया इसमें कहीं पर भी कोई डाउट आप लोगों को लगा है, पूरी सिचुएशन बता दी हिस्ट्री के साथ में कंपेयर करके, अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ में कंपेयर करके, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म के साथ में कंपेयर करके, और आज की डेट में क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से यहां पर रियलिटी देखने को मिल रही है, और रियलिटी क्या है और बहकाया क्या जा रहा है, वो सारी बातें बता दी। यहां तक कोई भी अगर दिक्कत हो तो बताइए मुझे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट आप लोगों को लग रहा है, यस या फिर नो, ऑल क्लियर या फिर कोई डाउट है बताइए मुझे, ठीक है। पानी पी लूं तब तक मैं थोड़ा सा। बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, पड़ोसी में सिचुएशन क्या चल रही है और क्या कंडीशन है, क्योंकि आगे भी आर्टिकल आएंगे तो आप लोग के मन में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इस तरीके से पूरा का पूरा आर्टिकल यहां पर कवर कर दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो एक ऐसा आर्टिकल है जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये कैसा आर्टिकल है, जैसे मैंने बताया ना, जैसे जीएसटी मैंने डिस्कस किया था हर महीने आप लोगों का देखने को मिलता है, ऐसे ही पीएमआई है जो हर महीने आप लोगों का देखने को मिलता है। तो ये ऐसी चीजें हैं, इनको एक बार बैठकर जब आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो,
एक बार बैठकर ऐसे आर्टिकल्स को तैयार कर लो तो इससे फायदा पता है क्या रहता है, अब जब भी आर्टिकल रिपीट होंगे तो आप लोगों की मेहनत जो है वो यहां पर बच जाएगी। मैं बात करने वाला हूं किसके बारे में, पीएमआई के बारे में, जिसको बोलते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है ये हर महीने पब्लिश किया जाता है, तो इसके चलते आप लोगों को यहां पर कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप लोग इसको रेगुलर लेक्चर को सुनते हो तो आप लोगों ने लास्ट मंथ भी इसके बारे में सुना होगा, इसलिए कहते हैं कि रेगुलर अगर आप लोग न्यूज सुनोगे ना तो कई सारी न्यूज तो ऐसी हैं, जैसे 12 महीने अगर आप लोगों ने डिस्कशन सुना तो 12 महीने में कम से कम 8-10 बार तो इसका रिविजन आप लोगों को हो ही जाएगा। तो सोच के देखो, ये ऐसा टॉपिक है जैसे ये हो गया जीएसटी हो गया, 8-10 बार आप लोगों ने उसको यहीं पर ही सुन लिया, अब एग्जाम में जाकर बैठोगे थोड़ा सा रिविजन करके अगर आप लोग, तो क्या वो चीज आप लोग के माइंड में क्लियर नहीं होगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि चीजों को उस तरीके से लेकर चलना चाहिए ताकि आप लोग उसको बेसिक से तैयार करते हुए चलो। आज इसका वो नहीं कहते, इसकी जो खाल उधेड़ेंगे आज इस आर्टिकल की बहुत ही तसल्ली में, जिससे आप लोग की सारी चीजें जो है यहां पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक एक बातें डिस्कस करूंगा आखिर क्या है, कैसे कैसे सारी बातें यहां पर देखने को मिलेगी। पहले तो हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि ये क्या है और इसका पर्पज क्या है और कैसे कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, वो सारी बातें मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा, जिससे कि एक एक बात आप लोग समझोगे और फिर आप लोग इसको माइंड में क्लियर रखोगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसके बेस के बारे में, जिसको आप लोग बोलते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ठीक है, पीएमआई जो होता है इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये दोनों के लिए होता है। एक तो आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए, यानी कि आप लोगों ने कोई सामान बना दिया, जैसे नहीं मैन्युफैक्चर करके आप लोगों ने फोन बना दिया, आप लोगों ने पेन बना दिया या फिर कोई कपड़ा बना दिया, तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करते हैं उसके लिए भी होता है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बोलते हैं, यानी कि एम पीएमआई आप लोग बोल सकते हैं उसको। ठीक है, दूसरा जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा वो रहता है आप लोगों का, वो रहता है सर्विस के लिए पीएमआई, जिसको आप लोग एस पीएमआई बोल सकते हो, यानी कि ये जो है ये गुड्स एंड सर्विस दोनों के लिए होता है, यानी कि सामान के लिए भी होता है और सर्विस के लिए भी होता है। सर्विस क्या है, आसान शब्दों में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं फिलहाल के टाइम पर, ये मैं आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, आप लोग डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर आप लोगों को सर्विस देता है, आप लोग लॉयर के पास में जाते हैं ऊपर वाला करेगी डॉक्टर और लॉयर के पास में कभी ना आप लोगों को जाना पड़े, बस टीचर के पास में रहो आप लोग वो आप लोगों को सर्विस देता है। ठीक है, आप लोग नाई के पास में जाते हो बाल कटाने, वो आप लोगों को सर्विस देता है, तो ये सर्विस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो सर्विस वाला सेक्टर जो है हमारा बहुत ही स्ट्रांग है, यानी कि ताकतवर है, ये बात आप लोग यहां पर याद रखिएगा। तो जो पीएमआई है इसमें टोटल मिलाकर जो इंडिकेटर काउंट किया जाता है 0 से लेकर 100 तक का हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, तो 0 से लेकर 100 तक का जो है इसके बीच में एक पॉइंट रख देते हैं 50 का, यानी कि 50 से अगर ऊपर जा रही हैं चीजें तो इसका मतलब चीजें एक्सपेंड हो रही हैं, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है यहां पर, चाहे वो सर्विसेज की बात कर लो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लो, यानी कि सही डायरेक्शन में हम लोग बढ़ रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव चल रहे हैं। 50% से ऊपर अगर मार्क्स आ रहे हैं ये समझ लो कि आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर 50% से नंबर कम आ रहे हैं, यानी कि 50% में नंबर नहीं आ रहे आप लोग यहां पर, तो इसका मतलब भाई साहब सीरियस थ्रेट है, पढ़ने की जरूरत है, सख्त तरीके से आप लोगों को और अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी जो है वो एक्सपेंड नहीं हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यानी कि सिकुड़ रही है इकोनॉमी। ठीक है, पर लेकिन अगर ना तो 50 से ऊपर आ रहे हैं और ना ही 50 से नीचे आ रहे हैं, बस यहीं पर ही थमे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि कोई भी चेंज इकोनॉमी में नहीं देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो पढ़ाई चल रही थी वही पढ़ाई चल रही है, ना तो उसमें इंप्रूवमेंट किया जा रहा है ना ही उसमें घटाया जा रहा है कुछ। ठीक है, ये इतने अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं होगा, मुझे लगता है कि कभी भी अगर इसके बारे में कोई पूछेगा आसान शब्दों में बता दोगे कि ये बढ़ रही है इकोनॉमी या फिर घट रही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पास में पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर में। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन और ये सारी बातें बताएं ना, इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का बड़ा ही प्यारा सा, और आप लोग कहोगे यार समझ में नहीं आ रहा है, पर लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर माइंड में रखोगे तो अब आप लोगों को इसके लिए कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। 0 से 100 तक का है, 50 बीच का है, 50 से नीचे घट रहा है, 50 से ऊपर बढ़ रहा है और 50 पर टिका है, तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। कंपेयर किससे किया जाता है, पहले मंथ के साथ में कंपेयर किया जाता है, जैसे अक्टूबर में, जैसे अभी यहां पर बात करेंगे, जैसे हम लोग नवंबर में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अक्टूबर की डिटेल हमारे पास में सामने निकल कर आई, अक्टूबर से पहले क्या था, तो सितंबर को कंपेयर किया जा रहा है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो सितंबर के साथ में अक्टूबर को कंपेयर करके देखा जाता है कि बढ़ रही है या फिर चीजें घट रही है, और उसको फिर प्रेजेंट किया जाता है यहां पर नवंबर के महीने में। क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक अभी नवंबर के महीने में बैठे हैं, नवंबर का तो डेटा है थोड़ा ना, अभी 3 नवंबर है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों को हमेशा ये आर्टिकल जो है ये आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा, 1, 2 या फिर 3 नवंबर को मैक्सिमम ये आर्टिकल आप लोगों को एडिटोरियल न्यूज़पेपर में आता हुआ नजर आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है आप लोगों को, क्योंकि लंबे समय से मैं देख रहा हूं, जब जब महीना चेंज होता है हर महीने आप लोगों को ये ऐसा आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया, फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि जब हमारे सामने
ये सारा डेटा निकल कर आते तो बिजनेस की कंडीशन हम लोग समझ पाते हैं देश में, यानी कि बिजनेस कैसे चल रहा है, बिजनेस घट रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। राम राम भाई सारा ने, राम राम ठीक है, पढ़ लो, राम राम होता रहेगा बाद में, ठीक है। तो बिजनेस घट रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को यहां पर समझ में आती है। इसके अंदर में जब ये तैयार किया जाता है तो एक पर्टिकुलर IHS मार्केट, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहां पर इसको कंपाइल करती है। तो ये जो पर्टिकुलर जो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कंपाइल करती है, ऐसा नहीं कि हमारे बारे में ही सोचकर ये कंपाइल कर देती है। टोटल मिलाकर जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की जाती है लगभग 400 के करीब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को ये काउंट करते हैं और उसके बाद में यहां पर इसको कंपेयर करते हैं। ये जो IHS जो मार्केट है यहां पर, ये लंदन बेस एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंफॉर्मेशन का एनालिसिस कर फिर क्या क्या उसका प्रेजेंटेशन होता है, क्या क्या सोल्यूशन होता है, वो हमारे सामने लाकर रखती है। तो ये PMI जो है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया, ये टाइम टू टाइम आप लोगों को इस तरीके से न्यूज में देखने को मिलता रहेगा। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखना। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और सर्विसेज के लिए भी है, जैसे हेल्थ केयर मैंने बताया अभी यहां पर, एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट, ये आप लोग यहां पर सर्विसेज देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। इसमें जो इसको काउंट किया जाता है, इसको जो यहां पर बनाया जाता है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके लिए टोटल जो है वो 5 की इंडिकेटर हैं जिसके बेसिस पर चीजें चेक की जाती है, यानी कि हम लोगों ने ये बना दिया भाई साहब इसके लिए क्या चीज है। यहां पर सबसे पहले तो आप लोगों को देखने को मिलेगा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को तैयार करने के लिए इंप्लॉयमेंट का एनवायरमेंट कैसा है, यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी देश के अंदर में हो रही है उससे इंप्लॉयमेंट यानी कि रोजगार जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो याद रखिएगा 5 इंडिकेटर के बेस पर इसको तैयार किया जाता है। ये आप लोगों से डायरेक्ट प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछ लेंगे, 3 इंडिकेटर दे देंगे, चौथा कोई और होगा, बोलेंगे बताइए इसमें से कौन सा इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला जो यहां पर बेसिकली रिपोर्ट आती थी उसके ऊपर UPSC ऑलरेडी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ चुकी है, तो इसलिए यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, बड़ी जरूरी है, ठीक है, बेसिक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो यहां पर पहला हो गया इंप्लॉयमेंट एंड एनवायरमेंट, दूसरा हो गया सप्लाई डिलीवर्स, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, इन्वेंट्री कितनी हमारे पास में, यानी कि कितनी चीजें हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में रखी हुई अभी बनी बनाई, और न्यू ऑर्डर के बारे में यहां पर बात की जाती है। तो ये 5 इंडिकेटर को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। जैसे न्यू ऑर्डर को सबसे ज्यादा यहां पर दिया गया है 30% का, ये एक तरीके से कितने नए ऑर्डर आ रहे हैं उसी तो पता चलेगा यार हमारी इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है। अगर ऑर्डर ही अच्छे नहीं आ रहे तो भाई साहब इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, आप लोग खुद बताइए, ठीक है। तो ऑर्डर आने बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आउटपुट क्या जा रहा है, ठीक है, इंप्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो रहा है, ये 25% आउटपुट हो गया, इंप्लॉयमेंट को 20% दे दिया, सप्लाई डिलीवरी टाइम पर हो रही है 15% हो गया, और कितना स्टॉक है, इन्वेंट्री कितनी है, ये 10% हो गया। तो इस तरीके से यहां पर ये 5 इंडिकेटर में रखकर आप लोगों का ये पूरा डेटा जो है वो तैयार किया जाता है, ठीक है। तो यहां से आप लोगों के लिए यहां पर सारी चीजें चलती हैं, इसके बेसिस पर आप लोगों के लिए सारी चीजें सामने निकल कर आती हैं, जैसे पता चलता है कि अच्छा ये इंडिकेटर जो है ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। यहां तक कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, इतना आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। और एक बात और बता दूं, महीने में कितना बढ़ रहा है या फिर महीने में कितना घट रहा है, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज कंप्लीटली आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। रीजन क्या है, रीजन इसका है कि महीने में घटना और बढ़ना जो है उससे आप लोगों के कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि हर महीने बढ़ेगा हर महीने घटेगा, तो वो आप लोगों को कतई याद नहीं रखना है। आप लोगों को इसका बेस याद रखना है जो कि हर महीने क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा जा सकता है हर एग्जाम में, ठीक है। अभी यहां पर PMI के बारे में अगर क्वेश्चन बना आप लोगों के सामने, तो PMI के बारे में क्या कैसे ये बताइए। ये बोला गया कि इफ जो PMI है यहां पर प्रीवियस मंथ का हायर देन द करंट मंथ, तो यहां पर ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ऐसा कुछ करता है क्या, मतलब पहले के कंपेयर में अब जो है ज्यादा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, बताइए जरा। नेक्स्ट यहां पर ये कंपाइल किया जाता है IHS मार्केट के द्वारा जो कि USA का है, और 400 के करीब मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है उनका इस्तेमाल करते हैं डेटा, ये बताया गया। नेक्स्ट यहां पर क्या बात की जा रही है, ये इंडिकेट करता है प्रिवेल डायरेक्शन टू द इकोनॉमिक ट्रेंड कैसा चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में, तीसरी बात यहां पर ये बताई गई है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग बता दो, देखता हूं कौन सही आंसर यहां पर देता है, 1, 2, 2, 3, 1, 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। मुझे पता ही था मुझे आंसर क्या है। यहां पर बोला गया कि इफ प्रीवियस मंथ PMI इज हायर देन द करंट मंथ, तो क्या होगा, पहले मंथ का ज्यादा है इस मंथ का कम है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा क्या यार, कैसे आप लोग बी आंसर दे सकते हैं, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब बी आंसर आप लोग बोल भी कैसे सकते हो ये बता दो मुझे। 90% लोग जो है बी आंसर दे रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आया इसका मतलब कॉन्सेप्ट, ये कह रहा है कि प्रीवियस मंथ यानी कि सितंबर महीने का ज्यादा था अक्टूबर महीने का कम हो गया, तो प्रीवियस मंथ PMI इज हायर देन द करंट मंथ यानी कि अब के बार से हायर है, तो ये तो आप लोग समझ सकते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन ही तो हो गया ना, ये मतलब सिकुड़ गई ना इकोनॉमी, एक्सपेंड थोड़ी ना हो रहा है ये तो बिल्कुल, मतलब समझ में नहीं आया इसका मतलब, इतना प्यारा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया था। ये लाइन आप लोगों को 99% जो है एग्जाम में क्वेश्चन गलत करवाएगी, ठीक है।
यहां पर ये तो सही है, सर्विस के लिए भी है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी है, यूएसए का नहीं है यहां पर, ये मैंने बोला था अभी लंदन का है, तो ये स्टेटमेंट ओनली गलत हो गई, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है और आंसर यहां पर सी हो गया। ये देखो अभी 2 मिनट पहले ही आप लोगों को पूरा आर्टिकल समझाया और जस्ट इमीडिएटली क्वेश्चन पूछ लिया और उसके बाद भी 90% लोगों ने क्वेश्चन गलत कर दिया। इससे समझ में आता है कि कॉन्सेप्ट को कितना क्लियर कर आप लोग चलोगे तो उससे एग्जाम में, अभी तो आप लोगों को ये याद है, चलो मैंने अभी पढ़ाया, सोचो अब से 4-5-6 महीने बाद आप लोगों का पेपर होगा, क्या उस टाइम पर आप लोग इसको याद रख पाओगे? तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि रिविजन की हो जितना ज्यादा करोगे। अभी भी कई सारे बी बोल रहे हैं, अभी भी शर्म नहीं आ रही है, मैंने कह रहा कुछ तो शर्म करो मेरे दोस्त दुग्गल साहब, कुछ तो शर्म करो, ऐसे कैसे चलेगा मेरे भैया, हाय मेरे दैया। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आ गई, तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी था, मुझे लगा था कि आप लोग सही आंसर दोगे, पर आप लोगों ने मेरा दिल तोड़ दिया है, दिल मेरा तोड़ दिया, बुरा क्यों मानो, उसको हक है वो पढ़ाई करे या ना करे नहीं हक है पढ़ाई करने ना करने का, आपको बेसिकली पढ़ाई करनी ही करनी पड़ेगी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग ले रहे हो और यहाँ पर पढ़ने आप लोग टाइम पर आ गए हो, तो इसका मतलब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को जिंदगी में एक सही जगह पर पहुंचा के छोड़ेगी, आने वाली जिंदगी जो है आप लोगों की बड़ी आसान आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी बेसिकली एक दोस्त है तो उससे बात कर रहा था, मैं बोलता कि सर्विस कैसी चल रही है, तो कह रहा है कि सर्विस तो यार अच्छी चल रही है, मैंने कहा कि मतलब जो सोच रहे थे मजा आ रहा है जिंदगी जीने में कि हाँ यस बनेंगे तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ऐसी जिंदगी चलेगी, कह रहा है हाँ यार मजा आ रहा है, कम से कम पॉलिटिशियन से तो अच्छे हैं हम लोग। मैंने कहा वो कैसे, कह रहा है कि पॉलिटिशियन को हर 5वें साल में एग्जाम देने पड़ते हैं और हमको तो एग्जाम ही नहीं देने पड़ते, एक बार दे दिया बस, उसके बाद में मतलब 25 से 30 साल तक जो है लाइफ एंजॉय करनी है बैठ के आराम से, समझ रहे आप लोग यहाँ पर। तो आप लोग अगर एक बार एग्जाम क्लियर कर लोगे तो 25 से 30 साल जो है आप लोगों की जो जिंदगी चलनी है 60 साल तक, तो बड़ी ही शानदार यहाँ पर चलनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो एक तरीके से बहुत ही एक ऐसा स्टेबल करियर आप लोग समझ सकते हैं, एक ऐसी जिंदगी आप लोगों की चलेगी, इससे ज्यादा रेस्पेक्ट शायद ही आप लोग कहीं देखने को मिलेगी, तो एटलीस्ट उसके लिए मेहनत करना तो बनता है, यस या फिर नो, अब आप लोग ये बता दीजिए। ठीक है सर, हिंदी वाले क्वेश्चन में उल्टा हो जाता है, हिंदी वाले क्वेश्चन में चलो चेक कर लेंगे उसको, अभी फिलहाल इस नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। ये बात कर रहे हैं यहां पर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व जो है, एक बात और बोल दूं मैं आप लोगों से, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं ना, ये क्वेश्चन जब आप लोग कंप्लीट कर लेते हो, वीडियो जब एंड होती है उसके बाद में सारे क्वेश्चन इकट्ठे करके सबके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पोस्ट किया करवाकर, ताकि ये पता चलता रहे, क्योंकि लाइव में जो है वो आंसर दिख नहीं पाते हैं बहुत सारे, तो जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, जैसे गवर्नर वाले जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे आर्टिकल के, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर जो है आप लोग दो बैठकर, उससे क्या होगा, उससे होगा कि आप लोगों का रिविजन भी हो जाएगा जो जो आप लोगों ने पढ़ा है, और उससे सबसे अच्छी बात यह होगी कि लंबे समय तक आप लोग चीजें भी याद रख पाओगे, रिकॉल बढ़ेगी आप लोगों को, तो जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप लोग क्वेश्चन के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखा करो, क्योंकि लाइव जो है ना जैसे ही वीडियो कंप्लीट होती है तो सारी चीजें वो खत्म हो जाती है, यानी कि वेनिस खत्म, टाटा बाय बाय, तो ये पता नहीं चलता है किस किसने कौन से आंसर दिए, तो अपने आंसर पोस्ट किया करो सारे इकट्ठे करके, जैसे आप लोग नॉर्मली पोस्ट करते थे। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, पहले तो ये टर्म जो होती है इसको मैं आप लोगों को डिफाइन करूंगा, और अब की बार ये जो डे है सेलिब्रेट जो किया जाता है ये 3 नवंबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और बोला गया इट्स अबाउट लाइफ, तो ये अब की बार की थीम है। एक और डे आप लोगों को मैं बता देता हूं, एक को बोलते हैं डे इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये जो है ये 22 मई को सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, और यहां पर इसकी थीम क्या थी, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ट बैक बायोडायवर्सिटी। एग्रीमेंट टू एक्शन मतलब आप लोगों ने टाइम टेबल तो बना लिया कि हाँ भाई साहब हम लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं, इसका मतलब है आप लोगों ने अपने साथ में एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ भाई आज का ये शेड्यूल हम लोग फॉलो करने वाले हैं, पर लेकिन एग्रीमेंट को आप लोगों को एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो आप लोगों ने टाइम टेबल बनाया है आज का वो आप लोगों को फॉलो भी करना पड़ेगा और वो आप लोगों को इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा और उसका रिजल्ट भी आप लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा, तो इसके बारे में बात की जा रही है। यानी कि कथनी और करनी में पहले हमारी क्या थी, लुक ईस्ट पॉलिसी थी ना, लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज कर एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कर दिया, यानी कि बहुत देख लिया हमने अब थोड़ा काम कर लेते हैं, तो ऐसे ही यहां पर बात की गई है कि एग्रीमेंट टू एक्शन में आ जाओ भाई साहब, ये बात यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान शब्दों में सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, दोनों डे की थीम बता दी एक जगह, पहले आप लोग यहां पर ये याद रखिएगा। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहां पर इसका पर्पज क्या है, कि हाँ ये इसलिए लिखा गया आर्टिकल ताकि आप लोग यहां पर समझ सको कि हाँ आज एक इंपॉर्टेंट डे है। अब बायोस्फीयर जो रिजर्व है ना, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज एक ऐसा एरिया है जिसको आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जाता है,
ये कि ऐसा एक एरिया यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि प्रोटेक्ट करना है यहां पर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से, साइंटिफिक स्टडी के पॉइंट ऑफ से, कल्चर के पॉइंट ऑफ से आप लोगों को ये एरिया प्रोटेक्ट करना है। ये एरिया जिसको आप लोग यहां पर बायोस्फीयर रिजर्व बोल रहे हैं, ये एरिया के बारे में जब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये एरिया यूनेस्को के द्वारा यहां पर बोला गया कि ऐसा कोई एरिया यहां पर होना चाहिए। UNESCO याद रख लीजिएगा, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और UNE, तो इसको यूनेस्को बोल देते हैं पूरा। क्या हो गया यहां पर, इसका पूरा नाम क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया यूएन से। इसके बाद में फिर आगे फिर एजुकेशनल, फिर आ गया साइंटिफिक, यहां पर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को यहां पर बेसिकली बताती है कि यहां पर ये एक बायोस्फीयर रिजर्व नाम का कोई एरिया यहां पर होना चाहिए जिसको इंटरनेशनल लेवल पर भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। क्यों? क्योंकि बायोडायवर्सिटी जो कि यहां पर जीव जंतु रहते हैं उनकी भी, और इसी के साथ में सस्टेनेबिलिटी, यानी कि चीजें सस्टेनेबल वे में चलती रहे। मतलब क्या होता है, बिल्कुल आसान सा उदाहरण रहता है कि जितने पेड़ आप लोग काट रहे हो उतने ही या फिर उससे ज्यादा पेड़ आप लोगों को लगाने चाहिए, और वो सारे के सारे पेड़ जो हैं वो यहां पर बढ़ने भी चाहिए आगे। ऐसा नहीं कि वो सारे के सारे सूख गए, तभी जाकर चीजें जो हैं सस्टेन कर पाओगे, वरना सस्टेन नहीं कर पाओगे। मतलब कहने का क्या हो गया, एक तरीके से जितनी बर्बादी करो, बिल्कुल ऐसी कि आप लोगों ने छोले भटूरे खा लिए भाई साहब, पकौड़े वगैरह खा लिए, पिज्जा बर्गर पता नहीं क्या क्या चटका लिए, और फिर जाकर शाम को सो गए, भाई साहब मोटापा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब उतनी ही कैलोरी आप लोगों को बर्न करनी पड़ेगी अगर फिट आप लोग यहां पर दिखना चाहते हो, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेगा। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अंदर में अलग अलग जोन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर कहां कहां पर आप लोगों को, एक तो सबसे पहले बात की जाती है कोर एरिया के बारे में, ये पहले मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोग इसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अंदर में आप लोगों को अलग अलग जोन देखने को मिलेंगे, कोर एरिया, बफर एरिया, ट्रांजिशन एरिया, ये मल्टीफंक्शनल अप्रोच, ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। इसके बारे में मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा। जैसे कोर एरिया यहां पर हो गया, वो बिल्कुल अंदर है, ठीक है, कोर एरिया हो गया, फिर बफर एरिया बोलते हैं, फिर ट्रांजिशन एरिया बोलते हैं। इसके लिए आप लोगों को उदाहरण देता हूं, तब से आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व का उदाहरण है, हमारे देश के अंदर में अगर बात करेंगे तो मानस नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर इसका जो कोर एरिया हो गया वो बेसिकली नेशनल पार्क वाला कोर एरिया हो गया, मानस बायोस्फीयर रिजर्व हो गया पूरा, उसका नेशनल पार्क जो है वो कोर एरिया हो गया। जो बफर एरिया हो गया वो हो गया फॉरेस्ट, जो वहां पर है रिजर्व फॉरेस्ट जिनको हम लोग बोलते हैं ना, वो हो गया बेसिकली बफर एरिया। इसी के साथ में ट्रांजिशन एरिया क्या हो गया, जहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी थोड़ी अलाउ कर रखी है, एग्रीकल्चर जो लैंड होगी वो वाला एरिया जो हो गया वो ट्रांजिशन एरिया हो गया। और जो नोटेबल फीचर दूसरे हो गए, जैसे यहां पर बंगाल टाइगर, एलिफेंट या फिर ये चीजें यहां पर पाई जाती हैं, ये कई सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब यहां पर जो समझ रहे हैं आप लोग यहां पर, तो कोर एरिया, बफर एरिया और ट्रांजिशन एरिया, और फिर यहां पर मल्टीफंक्शनल आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, ये जो एरिया बनाए गए हैं किसी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व, जो इस तरीके से जोन में इसको कन्वर्ट किया गया, इसका बेसिक पर्पज क्या है, देखो अलग अलग तरीके से आप लोग यहां पर देखते हो। सबसे पहले तो यहां पर यह कि कैसे आप लोगों को बायोडायवर्सिटी जो है, अलग अलग जीव जंतु, पेड़ पौधे, उनकी अलग अलग जो जातियां प्रजातियां हैं, कैसे उनको हम लोग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है, पहला तो ये देखने को मिलेगा। दूसरा, कई सारे आप लोग जंगल सफारी पर जाते हैं, आप में से कोई ऐसा है कि जंगल सफारी पर पहले गया, आज की डेट में कोई ना कोई जरूर गया होगा, तो वहां पर टूरिज्म की एक्टिविटी आप लोगों को काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है, ठीक है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग पहाड़ी वाले इलाके में जाओगे घूमने के लिए, वहां पर पहाड़ियों पर लोग जो है बसे रहते हैं काफी लार्ज स्केल पर, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। तो ह्यूमन सेटलमेंट की बात करते हैं, इसी के साथ में कहां पर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके ऊपर रिसर्च करना जरूरी है। पता चला यार चीजें चेंज होती चली गई, सारी की सारी पहाड़ियां जो है उनपे से पेड़ खत्म हो गए या फिर बर्फ खत्म हो गया, तो फिर क्या कंडीशन होगी, बर्बादी हो जाएगी ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे यहां पर चीजें बैलेंस में लेकर चलनी है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छे से ये काम करने की कोशिश की जाती है कि कहीं ना कहीं रिसर्च जो है उसके ऊपर भी फोकस देना है यहां पर, और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से भी, और फिर मॉनिटर भी करना है क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। क्योंकि जब आप लोग बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करेंगे, हमारे देश के अंदर भी अगर देखें, यहां पर आप लोगों के सामने कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, यहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर में नंदा देवी देखने को मिलेगा, मानस बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अभी आप लोगों से बात की, अलग अलग एरिया में आप लोगों को इतने सारे बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इंडिया के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं यहां पर। तो इसलिए इनके बारे में क्वेश्चन भी कल को बन सकता है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मल्टीफंक्शनल आप लोगों को यहां पर काम करते नजर आएंगे, जैसे मैंने अभी यहां पर बताया, और इंटरनेशनल लेवल पर इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोग जरूर याद रखेगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछ लेंगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यहां पर इनको रिकॉग्नाइज करती है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंस बताई जाती है। इसके चलते यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे यहां पर बताया कि कहीं ना कहीं जो ह्यूमन सेटलमेंट है तो लोकल कम्युनिटी को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है जो उस एरिया में रहते हैं,
कि भाई साहब तुम इस एरिया में रह रहे हो तो उनका इन्वॉल्वमेंट कैसा है, कैसे वहां पर काम चल रहा है, कैसे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है, कैसे वो अपनी लाइफ जो है वो सस्टेनेबल तरीके से जी सकते हैं। आप लोगों को पता होगा जारवाहा कम्युनिटी जो है वो अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया पर पाई जाती है, वो दुनिया से कटी हुई है, वहां पर कोई भी बाहर से, सेंट्रलीज कम्युनिटी के बारे में ले लो, चलो ये आप लोग और अच्छे समझ पाओगे। ये सेंट्रलीज कम्युनिटी कौन सी है, वही वाली कम्युनिटी है सेंट्रलीज कम्युनिटी जिसने यूएसए के एक नागरिक को, जिसको यहां पर बेसिकली तीर कमान से मार डाला था, क्यों, क्योंकि वो उनको यहां पर बेसिकली ईसाई एजुकेशन वहां पर देने जा रहे थे, उनको पाठ पढ़ाने जा रहे थे, ठीक है, ईसा मसीह का, तो यहां पर उनको जो है मार डाला गया। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझिए, सेंट्रलीज कम्युनिटी जो कि अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में पाई जाती है यहां पर आइलैंड के ऊपर में, वो आज तक किसी भी इंसान के कॉन्टेक्ट में ज्यादा नहीं आती है, वो बिल्कुल सेपरेट रहती है और फिर भी वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग यहां पर, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि जो भी ट्राइबल कम्युनिटी आज की डेट में फॉरेस्ट में रहती है वो फॉरेस्ट की पूजा करते हैं भाई साहब, वो पूजते हैं उनको, क्योंकि उनकी लाइफ जो है उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहती है और वो आज की डेट में भी अपनी लाइफ जो है फॉरेस्ट में रहकर वहीं पे खाना, वहीं पे पीना, वहीं पे बच्चे पैदा करना, वहीं पे सारी चीजें करना, वहीं पर ही कर पा रहे हैं आज की डेट में भी, कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि वो सस्टेनेबिलिटी को समझते हैं। मूवी देखी थी ना अवतार मूवी, किस किसने देखी है बताइए जरा, अवतार मूवी में ये चीज बड़ी बखूबी दिखाई गई है, इतने प्यारे तरीके से, मतलब देख के दिल खुश हो जाता है कि कैसे एक सस्टेनेबल चीज आप लोग लेकर चल सकते हो, उस सस्टेनेबिलिटी को अवतार मूवी में बहुत शानदार तरीके से प्रेजेंट किया गया, आप लोगों ने देखा होगा। तो ट्राइबल कम्युनिटी समझती है कि भाई साहब उस एरिया को कैसे उनको प्रिजर्व करके रखना है, क्यों, क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी टिकी हुई है भाई साहब उसके ऊपर में, तो वही चीजें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं यहां पर जो लोग, जो ह्यूमन सेटलमेंट जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, जो ट्राइबल कम्युनिटी यहां पर जो रहती है यहां पर, वो समझते हैं कि कैसे सस्टेनेबल यहां पर इन चीजों को बनाना है। तो बाहर के लोग जो रहते हैं वो तो नहीं समझ पाते हैं, आप लोग आज के दिन में कहीं घूमने जाते हो तो कई बार वहां पर इन्हीं गंदगी फैला के चले आते हैं कई बार, कई सारे लोग, हालांकि आप तो एक सभ्य इंसान है जो खासकर एसएलवी फैमिली वाले मेंबर हैं जो खासकर डेली लेक्चर सुनते हैं, वो मैं देखता हूं बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो मुझे पिक्चर शेयर कर रहे हैं कि हाँ सर यहां पर देखो ये चीजें हैं, मतलब एक तरीके से ना बहुत सारी एक्सपीरियंस मुझे मिलते रहते हैं, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है मैं घर बैठा बैठा है दुनिया घूम लेता हूं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अभी एक एसएलवी फैमिली मेंबर मुझे मिले, उनका ईपीएफओ का जो है बेसिकली मतलब पेपर निकल चुका है, जो ईपीएफओ वाला पेपर हुआ था, और अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि प्रीलिम्स अभी नहीं होता तो तैयारी कर रहे हैं, तो घूमने जा रहे थे, ठीक है, तो मुझे मिले रास्ते में, तो काफी अच्छा लगा मुझे मिलके। तो कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, मतलब मैं ना कई बार तो घर बैठे बैठे मुझे बहुत सारी वीडियो भेज देते हैं कई सारे लोग कि सर यहां घूमने गए थे या फिर कहीं कोई बुरी कंडीशन हो रही है, जैसे नहीं मैं आप लोगों के साथ में अवेयरनेस की वीडियो शेयर करता हूं स्टार्टिंग में कई बार, तो 99% जो है वो एसएलवी फैमिली मेंबर के द्वारा शेयर की जाती है। तो इससे ये अच्छा समझ में आता है कि कम से कम यार एक ऐसी कम्युनिटी जो है वो मेरे साथ में यहां पर कनेक्टेड है, हम सारे लोग मिलकर जो कि समझ रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है, तो अपनी पीठ थपथपा लो, आप बहुत सारे ऐसे लोगों से ऊपर उठ चुके हो जिनको इन चीजों की इंपोर्टेंस ही समझ में नहीं आती है, एटलीस्ट आप लोग अगर यहां पर ये समझ रहे हो ना तो ये अपने ही आप में काफी बड़ी बात है। तो ये चीजें समझना भी बहुतों की बस की बात नहीं होती है, ये बात मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं। तो ये चीजें यहां पर सेटलमेंट करना और उसको प्रिजर्व करना, बाहर वाले लोग थोड़ी ना समझेंगे कौन यहां पर कैसे आ रहा है, तो यहां पर जो इंसान अंदर रह रहा है वही समझेंगे ना। तो बायोस्फीयर रिजर्व की इंपोर्टेंस क्या है, उसको थ्री जोन में जैसे डिवाइड किया गया, मैंने अभी बताया यहां पर जोन हो गया, जैसे यहां पर अभी आप लोगों का कोर जोन हो गया, बफर एरिया, ट्रांजिशन, ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, इनके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ग्लोबल इंपैक्ट, अगर बायोस्फीयर रिजर्व हमारे देश में तो अकेले है नहीं, अलग अलग कंट्री में आप लोगों को बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेंगे, तो उन बायोस्फीयर रिजर्व को ऐसे रखना है ताकि वहां पर प्लांट यानी कि जो जानवर एक तरीके से पेड़ पौधे रहते हैं, इसी के साथ में जो जीव जंतु यानी कि एनिमल रहते हैं, और जो ह्यूमन यानी कि हम जैसे इंसान जो सबसे खतरनाक जानवर रहते हैं, इन सबको मिलाकर कैसे इस पर्टिकुलर एरिया में बैलेंस बनाना है। तो बायोस्फीयर रिजर्व कहीं ना कहीं ये होप देता है जहां जहां बायोस्फीयर रिजर्व है कि वहां पर कम से कम एटलीस्ट सस्टेनेबिलिटी जो है वो वहां पर बैलेंस है, ठीक है। तो ये बोल आप लोग सकते हैं, मतलब कहने का ये हो गया, ये आर्टिकल का टाइटल देखो आप लोग, यहां बायोस्फीयर रिजर्व आर इवॉल्विंग एज ए पॉकेट ऑफ होप, तो यहां पर पॉकेट्स ऑफ होप बताया गया है, इनके आशा की एक किरण है बायोस्फीयर रिजर्व, जहां जहां पर भी यहां पर यूनेस्को के द्वारा यहां पर ये क्रिएट किए जा रहे हैं, जिससे जो एक पैटर्न चला हुआ आ रहा है कि चीजों को अनसस्टेनेबल तरीके से लेकर चलना, ये उसको सस्टेनेबिलिटी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इससे यहां पर क्या हो रहा है कि कम से कम एटलीस्ट ये एक ऐसा एरिया बन जा रहा है कि हाँ हम लोग इसके ऊपर ढंग से काम कर रहे हैं। पर लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं, हर एक चीज जो है उसके दो पहलू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व हमारे देश के अंदर भी देखने को मिलते हैं, फिर जहां भी आप लोगों को देखने को मिले, जैसे येलोस्टोन यूएसए का बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, तो हर एक जगह कुछ चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि इनकी इंपोर्टेंस सब समझ रहे हैं भाई साहब, ये इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंस तो आप लोग भी समझ रहे हैं ना, हेल्थ की बहुत इंपोर्टेंस होती है। पर लेकिन क्या रेगुलर आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, पढ़ने की बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है डेली, पर क्या आप लोग डेली स्टडी करते हैं,
आंसर राइटिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है भाई साहब। क्या डेली आंसर राइटिंग आप लोग करते हैं? कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप लोग को 8-10-20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए पीवाईक्यूज के, आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो जो चीजें पता है ना कि इंपॉर्टेंस है और वो होनी चाहिए पर लेकिन रियलिटी में होती नहीं है, तो ये आप लोग अपनी खुद की आदत से भी आप लोग देख सकते हैं, किसी दूसरे की तरफ को जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी यहां पर अगर आप लोग देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, जो चैलेंज निकल कर आ रहे हैं वो चैलेंज ये है कि यहां पर कई बार तो डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। डिफोरेस्टेशन मतलब जंगल को जबरदस्त तरीके से यहां पर काटा जाता है, तो डिफोरेस्टेशन जो है वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आप लोग देखते हैं, इन्वेसिव स्पीसीज, बाहर से कोई पेड़ पौधे लाए यहां पर लगा दिए और वो क्या कर रहे हैं लोकल पेड़ पौधों के साथ में जो है उनकी सारी जमीन हड़प ले रहे हैं और वहां पर ऐसे हो जा रहा है कि जिसकी कुछ हद नहीं है सारी चीजें खराब हो जा रही है, तो इन्वेसिव स्पीसीज काफी इंपैक्ट डाल रही है। माइनिंग करना, कोयला निकालना अलग अलग, जैसे कि लोहे के लिए कोयले के लिए इनके लिए माइनिंग करना, वो खतरनाक लेवल पर चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। एक ये भी काफी ज्यादा खतरनाक आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता हुआ जा रहा है आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं आप लोगों को मैं बता दूं, पहले गांव में हम लोग बिल्कुल अंदर रहा करते थे, ठीक है, आज की डेट में गांव में हम लोग बाहर रहे। जब हम लोग गांव में आकर हमने बाहर अपना बेसिकली घर बनाया, वो घर ऐसा था कि हमारे आसपास में चारों तरफ को एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि वहां पर खेती बाड़ी हुआ करती थी, मतलब ये हमारी जो ये इसलिए जो यहां पर हमारी जो ये दीवारें थी ये यहां पर इधर रास्ता हो गया और इधर यहां पर दूसरा रास्ता था, बाकी दोनों तरफ से खेतों से अटैच था यहां पर। आज की डेट में इसके लगभग ना होने भी 100 मीटर या फिर मतलब 100-150 मीटर तक आज के में घर बन चुके हैं, यानी कि हम लोग फिर से गांव के अंदर आ चुके हैं। तो ये तो मैं अपने आपको अपने गांव का उदाहरण एग्जांपल देकर बता रहा हूं। आप लोग सोचो हर जगह आज की डेट में नए नए प्लॉट काटे जा रहे हैं, ठीक है, हर जगह नई नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, हर जगह नई नई स्ट्रक्चर तैयार हो रही है, कहीं हम लोग ब्रिज बना रहे हैं, कहीं हम लोग रेलवे का नेटवर्क बना रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जब जब ऐसी एक्टिविटी होती हुई नजर आती है तब तब कहीं ना कहीं से पेड़ काटेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारी है, तो इसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बायोस्फीयर रिजर्व के लिए बहुत सारे चैलेंज भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जो काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट करते हुए नजर आते हैं, ये चीज आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये बायोस्फीयर के चैलेंज हैं आप लोगों के सामने, ये भी हम लोगों को डील कर यहां पर चल रहे हैं, ठीक है, तो ये बातें यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है। तो इसके चलते यहां पर यूनेस्को जो है वो क्या करती है, वो अलग अलग देश की मिनिस्ट्री, जैसे हमारे देश के अंदर में क्या हो गया, जैसे हमारे देश के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, इसके साथ मिलकर नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर सस्टेनेबल चीजों को कैसे लेकर चला जा सकता है, साउथ एशिया एशिया अलग अलग रीजन में यहां पर ऐसे काम इनके द्वारा किए जाते हैं, तो बहुत लार्ज स्केल पर फोकस इनके द्वारा किया जाता है और इनके द्वारा बेसिकली मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम भी चलाया जाता है, जिसमें यहां पर नेचुरल और सोशल साइंस को मिलाकर कैसे हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं उसके ऊपर फोकस किया जाता है। देखो फिर से बता रहा हूं, सारी चीजें हैं यहीं पर ही, सारी चीजें देखने को यहीं पर ही मिलेंगी, पर सस्टेनेबली कितना बैलेंस हम लोग बना पाते हैं वही सारी बातें। आप लोगों को घर वालों ने रिसोर्सेज दे दिए ना सारे, अब आप लोग पढ़कर उनसे रिजल्ट निकाल कर लेकर आ पाते हैं या फिर उनको एंजॉय कर वैसे ही वेस्ट कर देते हैं, अभी आप लोगों ने डिसाइड करना है। तो नेचर ने हमको सारी चीजें दे दी हैं, अभी हम लोगों को डिसाइड करना है कि इनका यूटिलाइजेशन अच्छे के लिए करना है या फिर इनको बर्बाद कर देना है, अब ये हम खुद सोच लें कि हम लोगों को क्या करना है, ठीक है, ऊपर वाले ने अपना काम कर दिया है, ये बात आप लोग यहां पर बोल सकते हो। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसी के मिलता जुलता एक और आर्टिकल बताता हूं मैं। ये जो आर्टिकल है ये यहां से आप लोगों का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, जिसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से सुना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे आते हैं। जैसे अभी यहां पर आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में कोझिकोड और ग्वालियर, ठीक है, दोनों के दोनों को यूनेस्को के अंदर में क्रिएटिव लिस्ट के अंदर में यहां पर डाला गया है, ठीक है, तो इसके चलते मैं आप लोग कुछ बातें बताऊंगा जिससे आप लोग यहां पर इसको चीजों को समझ पाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो यूनेस्को की जो यहां पर ये क्रिएटिव लिस्ट है, आखिर ये तैयार करने का मतलब क्या है, क्या जरूरत है भाई साहब इसको तैयार करना, ये वही यूनेस्को है जो मैं अब तक डिस्कस कर रहा था, इसीलिए इसके साथ में आर्टिकल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। हालांकि ये जो न्यूज है ये लगभग परसों की न्यूज है, ठीक है, तो ये न्यूज जो है मुझे पता था मैंने कहा डिस्कस करना है तो आज डिस्कस कर लें, क्योंकि मुझे पता था भाई उस दिन पर्टिकुलर जो डे सेलिब्रेट किया जाएगा इनके आज जो है वो डे सेलिब्रेट किया जा रहा है आप लोग का, तो मुझे लग रहा था उसी के साथ में चिपका के इस न्यूज को डिस्कस करूंगा। मैं फिर से बता रहा हूं, कोई आर्टिकल अगर आप लोगों का बच जा रहा है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो आर्टिकल आप लोगों का डिस्कस नहीं होगा, ठीक है, आप लोग अगर रेगुलर लेक्चर सुन रहे हैं तो मैं गारंटी आप लोगों को देता हूं कि सारी चीज आप लोग ही कवर होगी। अगर आप लोग बरसाती मेंढक हैं जो भी यहां पर आज देख रहे हैं कल नहीं देख रहे हैं कल देख रहे हैं परसों नहीं देख रहे हैं उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, पर रेगुलर देखने वालों को मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों का करेंट अफेयर के मामले में तो कुछ छूटने नहीं दूंगा, चाहे देश के अंदर में कोई भी एग्जाम दे देना, ठीक है ना।
पढ़ लो, पढ़ने में फायदा रहेगा, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है ये आज का नहीं है, 2004 में ये क्रिएट किया गया और लगभग 300 के करीब सिटीज अराउंड द वर्ल्ड इसके अंदर में डाली गई हैं। आखिर इसके अंदर में सिटी क्यों डाली गई? हमारे देश का यहाँ पर कोझिकोड और ग्वालियर दो सिटी डाल दी गई। कोझिकोड और ग्वालियर जो है वो कहाँ कहाँ से आप लोग ये बताइए, ठीक है, मतलब कोझिकोड और ग्वालियर जो है वो कहाँ कहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को बताना है। किस किस एरिया से है कोझिकोड और ग्वालियर, किस किस राज्य से है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बेसिकली यहाँ पर किस तरीके से हम लोग जो क्रिएटिविटी है या फिर कल्चर है वहां पर किस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक तरीके से उसको सिस्टमेटिक वे में लेकर चल सकते हैं लोगों के साथ में कोऑपरेट करके उस पर्टिकुलर एरिया में, और इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर उसकी प्रेजेंटेशन बढ़ जाती है। जैसे ये जो सिटीज हैं इनको सात हिसाब से यहाँ पर देखा जाता है, यानी कि देखिए ये सारी चीजें आप लोगों को बताने जा रहा हूं ना, अभी जब हम लोग किसी पर्टिकुलर सिटी को जैसे ग्वालियर और कोझिकोड को यहाँ पर हम लोगों ने इस कैटेगरी में डाल दिया तो कुछ तो क्राइटेरिया रहा होगा ना, आप लोग फर्स्ट आ गए, किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आए, कुछ तो क्राइटेरिया रहा होगा ना, ऐसे ही थोड़ा ना फर्स्ट आ गए। तो वो क्राइटेरिया मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहा हूं, उस क्राइटेरिया को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसमें क्या है, क्राफ्ट है आप लोगों के सामने जिसको आप लोग यहाँ पर शिल्प भी बोलते हो, ठीक है, इसी के साथ में फोक आर्ट बोलते हो जिसको लोकल कला या लोकल डांस आप लोग बोलते हो, मीडिया आर्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, इसी के साथ में फिल्म्स वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेगी, डिजाइन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर गेस्ट्रोनॉमी हो गया, ये खाने पीने से रिलेटेड आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, लिटरेचर हो गया जो कि साहित्य है, और म्यूजिक हो गया जो कि संगीत है। ये सारे के सारे एरिया में जो भी यहाँ पर पर्टिकुलर सिटी भरपूर है इनकी मात्राओं में उसको यहाँ पर ये दर्जा दिया जाता है, आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पर केरला और एमपी के अंदर बिल्कुल सही, कोझिकोड हो गया आप लोगों का केरला के अंदर में और ग्वालियर हो गया एमपी के अंदर में, तो कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। अगर इन राज्य से आप लोग निकल कर आते हैं तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर कि इसको आप लोग जरूर तैयार करिएगा, ठीक है। स्टेट के अंदर भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर में अगर बात करें जो यहां पर यूनेस्को की क्रिएटिव जो सिटी लिस्ट है इसके अंदर में ऑलरेडी हमारे देश की कई सारी सिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, इनके नाम पास्ट में क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहां पर बात करें वाराणसी को दिया गया सबसे पहले 2015 में और जयपुर को, वाराणसी और जयपुर एक साथ में, ये म्यूजिक की कैटेगरी में दिया गया वाराणसी को और यहां पर फोक आर्ट की कैटेगरी में दिया गया। ये जैसे आप लोगों से अगर किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूछ लेंगे कि यूनेस्को की जो क्रिएटिव नेटवर्क सिटी है उसमें से इन सिटी में से कौन सी सिटी का नाम है, चार सिटी आप लोगों को दे देंगे, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेंगे। पर लेकिन अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करें वो क्या करेंगे, उन सिटी के भी नाम देंगे और बोलेंगे कि बताइए किस पर्टिकुलर फील्ड में उसको इस पर्टिकुलर कैटेगरी में रखा गया है, तो आप लोगों से थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। जैसे वाराणसी म्यूजिक के फील्ड में, जयपुर आर्ट के फील्ड में, चेन्नई म्यूजिक के फील्ड में, मुंबई फिल्म सिटी आप लोगों को बताया तो फिल्म के फील्ड में होगी, हैदराबाद की बिरयानी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा तो खाने पीने के फील्ड में होगी, ठीक है, श्रीनगर में काफी ज्यादा आर्ट कल्चर फोक वगैरह आप लोगों को देखने को मिलते हैं तो यहां पर क्राफ्ट की कैटेगरी में हो गया। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, कुछ भी डाउट आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये म्यूजिक के लिए है आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्वालियर यहां पर अभी फिलहाल, और कोझिकोड जो है वो लिटरेचर के लिए है। तो ये बहुत ही बेसिक सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी जिसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और यूनेस्को के द्वारा 2014 में ऐसी चीज स्टार्ट की गई, उनको लगा यार कुछ तो ऐसा होना चाहिए और तब उन्होंने यहां पर ये चीजें स्टार्ट की गई है, ठीक है। इसकी एक छोटी सी और रिप्रेजेंटेशन है, बड़ी ही प्यारी सी लगी, लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया जाए। ये यहां पर आप लोग देख सकते हैं किस किस साल में क्या क्या है, इंडिया की कौन कौन सी सिटी है जो इस तरीके से यहां पर दिख रहा है, उसी का दूसरा रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को यहां पर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को यहां पर सारी चीजें बता दी, कोई भी डाउट इसको लेकर मन में हो तो बताओ, दुविधा आप लोगों की दूर की जाएगी। जो बाकी की सिटी है वाराणसी, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और श्रीनगर, इनके बारे में भी आप लोगों को याद रखना है, और अगर इन राज्य से आप लोग आते हैं तो थोड़ा सा और सतर्क हो जाना, तो क्योंकि आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, देखता हूं कितने सतर्क होकर आप लोगों ने सुना है, सतर्क लोंडे, ठीक है, सतर्क लड़के और लड़कियां, लोंडे और लोंडियां, कैसे कैसे शब्द यूज किया था ना कई बार लोकल भाषा में। चलिए यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के बारे में बात करें तो जो लिस्ट है ये फोकस करती है क्रिएटिविटी और कल्चर के बारे में, क्रिएटिविटी कल्चर इंडस्ट्रीज इन द डेवलपमेंटल प्लान, पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया। दूसरा बोला गया रिकॉग्नाइज किया गया यहां पर लद्दाख जो कि इंडिया के अंदर में है, अंदर द गैस्ट्रोनॉमी, जो लद्दाख है उसको गैस्ट्रोनॉमी के अंदर में रखा गया। और यूनेस्को जो है डेजिग्नेटेड क्रिएटिव सिटी में यहां पर 7 जो आप लोगों को यहां पर फील्ड देखने को मिलेंगे टोटल मिलाकर, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोगों को यहां पर बताना है, आंसर आप लोगों के हिसाब से क्या होगा बताइए जरा, आंसर दो, देखता हूं मैं आप लोगों के आंसर देख रहा हूं यहां पर क्या क्या है यहां पर, ठीक है, आंसर बताइए आप लोग यहां पर एग्जैक्टली आप लोगों के सामने आंसर क्या हो गया, आंसर आप लोगों के यहां पर सामने सी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहां पर अटेम्प्ट करना है, तो कोई भी डाउट जो है वो इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, अगर डाउट होगा तो वो डाउट आप लोगों को दूर कर रहे हैं। आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर इसका सी हो गया। तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के मन में यहां पर नहीं होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों के मन में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सी चीज थी, अब एक काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जिसके बारे में आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्या है, हमारे देश के अंदर में अभी यहां पर वन नेशन और वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म डॉक्टर्स के लिए यहां पर लॉन्च किया गया। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोगों के लिए हो सकती है, खासकर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यानी कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से। तो ध्यान से सुनिएगा जो बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ताकि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आए। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन ये प्लेटफॉर्म किसके लिए है, यहां पर ये प्लेटफॉर्म है यहां पर डॉक्टर्स के लिए। डॉक्टर्स को लाइसेंस दिया जाएगा, अगर ये लाइसेंस मिल गया तो किसी भी स्टेट के अंदर में कहीं पर भी जाकर वो अपना काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कई बार एक डॉक्टर ने इस स्टेट के अंदर में लाइसेंस ले रखा है, दूसरे स्टेट में दूसरे डॉक्टर ने लाइसेंस ले रखा है, तीसरे ने तीसरे में, तो डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा होता था। नेक्स्ट यहां पर रेड टेपिज्म देखने को मिलता था, ये कितनी खतरनाक चीज है। एक तरीके से जब यहां पर रेड टेप वाली बात करते हैं तो आप लोग यहां पर ये समझ सकते हैं कि आज की डेट में कहीं ना कहीं जब ये सिचुएशन आती है तो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लाल फीता शाही बोलते हैं इसको हिंदी में, यानी कि एक तरीके से एक नहीं एक जो पैसे लो और भाई साहब प्रोवाइड करा दो काइंड ऑफ, ठीक है। पब्लिक एक्सेस इन्फॉर्मेशन यहां पर रहेगी, ठीक है। इसके चलते यहां पर प्रॉपर इंडिया के अंदर में सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो ये क्या क्या कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी अगर इसके बारे में आप लोग बात करो। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा डॉक्टर को, ईच डॉक्टर अपना एक नंबर रहेगा कि भाई साहब कल को कोई डॉक्टर अगर कोई बदतमीजी काटता है तो उस नंबर के बेस पर उस डॉक्टर का गला पकड़ा जा सकता है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी। दूसरा क्या है, यहां पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है नंबर का, जो रजिस्ट्रेशन रहेगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर उसको दिया जाएगा, ठीक है। उसका वेरिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, नेम और प्लेस जहां पर वो वर्क कर रहा है उसका बेसिकली प्रॉपर वेरिफिकेशन, क्वालिफिकेशन किस इंस्टीट्यूट से की है, स्पेशलाइजेशन किस में है और इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कहां से वो कनेक्ट होकर क्वालिफाई आया है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है और कौन से इंस्टीट्यूट से क्वालिफाई होकर आया है, तो ये सारी चीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, ये वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर कल को कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो एटलीस्ट इतना याद आप लोग यहां पर याद रखेगा, ठीक है। तो ये जो यहां पर अभी देखने को मिल रहा है ये प्लेटफॉर्म ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये क्वेश्चन अगर कोई आप लोगों से पूछे तो ये याद रखेगा, ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा। आप लोगों को याद है मैंने आप लोगों से बताया था कि कमीशन और काउंसिल में डिफरेंस बताइए, तो नेशनल मेडिकल कमीशन और जो काउंसिल का जो डिफरेंस था वो मैंने इसी के ऊपर आप लोगों से डिस्कस भी किया था। नेशनल जो यहां पर हमारे देश के अंदर में मेडिकल कमीशन बिल लेकर आया गया था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वो एक इलेक्टेड बॉडी हुआ करती थी, उसको रिप्लेस कर मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया लेकर आया गया, जिसके चलते यहां पर हमारे देश के अंदर में आज की डेट में जो है कमीशन काम कर रहा है, और उसी कमीशन को लेकर यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कई बार कि कमीशन जो है वो सरकार के हिसाब से काम करता है, जब चाहे जो चीजें चाहे अपने हिसाब से वो चेंज कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बेसिक चीजें समझाई थी, तो ये बेसिक चीजें आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया घटाकर मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया आ गया, और मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया ने यहां पर प्रेजेंट किया है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों के मन में हो तो बताइए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा किसके द्वारा यहां पर ये काम किया जा रहा है, तो कमीशन काम कर रहे हैं, काउंसिल काम नहीं कर रही यहां पर एक प्रॉपर डॉक्टर को लाइसेंस प्रोवाइड कराने के लिए। तो रेडी तो यहां पर रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर लाइसेंस एंड प्रैक्टिस मेडिकल जो यहां पर जो मेडिसिन रेगुलेशन 2023 का नोटिफिकेशन के थ्रू यहां पर ये चीजें प्रस्तुत की जा रही है आप लोगों के सामने, जिसमें ये सारी चीजें जो है वो चेक की जाएगी और इनको प्रेजेंट किया जाएगा। कोई भी डाउट यहां तक है तो बताइए। अब एक क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन तो इतना टफ नहीं है, बिल्कुल आसान सा है, आंसर आप लोग दे दोगे। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म किसका है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, नीति आयोग या नेशनल मेडिकल कमीशन। आप लोगों को मैं बता दूं, ये क्वेश्चन अभी आप लोगों को थोड़े से हल्के लग रहे होंगे सुनने में, क्यों, क्योंकि आप लोगों को अभी टॉपिक पढ़ा रहा हूं, अभी आप लोगों को अटेम्प्ट करवा रहा हूं, पर लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप लोग तीन चार दिन बाद इनको अटेम्प्ट करोगे तो इन्हीं क्वेश्चन में से आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आप लोग रॉन्ग यानी कि गलत करते हुए आप लोग यहां पर नजर आओगे। तो इसलिए कोशिश करना है कि रिविजन कर लेना है। रिविजन का सबसे आसान तरीका क्या है, एप्लीकेशन पर जाना और वहां पर आप लोग चीजों को अटेम्प्ट करना। उससे क्या होगा, उससे आप लोग इन चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे बहुत ही आसान तरीके से। तो ये एक आसान तरीका है, आप लोग इनको प्रैक्टिस कर लिया करो एक हफ्ते के बाद में, एक तो आज ही प्रैक्टिस कर लेना आज कल में, फिर एक हफ्ते के बाद में फिर से आप लोग इनका रिवीजन कर लेना, तो इससे अच्छे से आप लोग चीजों को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट अब आप लोग इसके लेकर नहीं होना चाहिए, फिर भी कोई डाउट होगा तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल और काफी इंटरेस्टिंग है, वो आप लोगों की सेहत के बारे में बात करेगा और काफी सारी आप लोगों की सेहत जो है वो इंप्रूव करता हुआ नजर आएगा। ये हिंदू के अंदर भी कवर किया गया था, इवन ये तो पीआईबी के अंदर भी कवर किया गया था, और यही आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया, ठीक है।
यहां पर बात करेंगे फूड सेफ्टी, जो यहां पर हमारे देश के अंदर में जो फूड सेफ्टी के बारे में बात करने वाली, तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो है आप लोगों को यहां पर जानने को मिल जाएंगी इस पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड। हुआ क्या है यहां पर, इसके बारे में बात करते हैं। फूड सेफ्टी ने अभी यहां पर एक इंडेक्स तैयार किया था, तो इस इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है। जैसे अलग अलग इंडेक्स होते हैं ना मार्केट में, कई सारे इंडेक्स आते हैं, तो यहां पर ऐसा ही एक इंडेक्स है। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था यहां पर 2018-19 में, जिसको बोलते हैं स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो उसके रिलेटेड यहां पर अभी आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। क्या है न्यूज, हम लोग यहां पर समझ लेते हैं। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है ये यहां पर तैयार किया गया, किस स्टेट की क्या क्या परफॉर्मेंस है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर में, उसके बारे में यहां पर ये बताता है। 18-19 में तैयार किया गया था, और किसकी कैसी परफॉर्मेंस यहां पर बढ़ रही है घट रही है उसका डेटा भी यहां पर इनके द्वारा तैयार किया जाता है। पहले बेसिक चीजें इसमें ये क्या क्या चीजें देखते हैं जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। यहां पर ये टोटल मिलाकर ये पैरामीटर आप लोगों के सामने, जिसमें जो इन्होंने बेसिकली रूल और रेगुलेशन बना रखे हैं, क्या उन रूल और रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है, यानी कि उनको कंप्लायंस जो है वो कंप्लायंस यहां पर फॉलो की जा रही है। पहला तो इसको सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है, यानी कि जैसे ने मैंने 5 आप लोगों के लिए वो बना रखे हैं रूल, कि ये आप लोगों को 5 रूल फॉलो करने हैं, जिससे ये पता चलेगा कि आप लोगों का डिसिप्लिन कैसा चल रहा है। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों रूल जो फॉलो कर रहे हैं उसके कितने नंबर आ गए, उसके 5 में से 5 नंबर आ गए, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो अपने नंबर अपने आप काट लो, तो मैंने बता रखा है। ऐसे ही यहां पर ये सारी चीजों को नंबर दे रखे हैं, जैसे रूल और रेगुलेशन बना दिए उसके इन्होंने 28 नंबर दे रखे हैं। इन 28 नंबर को देखा जाएगा कंज्यूमर को कितना अवेयर कर रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को मैं चीजें कुछ ऐसी पढ़ाता हूं जो कि आप लोगों को अपने तक ही नहीं रखनी है, वो चीजें उन लोगों तक भी पहुंचानी है जिनको इसका फायदा हो सकता है। आप लोग कई बार बोला मैंने कि कोई भी ऐसी चीज अगर सुना करो, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया, अवेयरनेस के बारे में हो गया, तो दूसरों के बाद दूसरों को भी शेयर किया करो, उससे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उस चीज को समझ पाएंगे। तो हमारे समाज में बहुत सारी चीजें गलत होने से आप लोग ऐसे भी बचा सकते हो कि अच्छी चीजें लोगों तक आप लोग पहुंचा सकते हो। तो कंज्यूमर को एम्पावर करना ये बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार के ऊपर में। ठीक है, इसी के साथ में ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशन का जो डेटा होता है वो सबके सामने आना चाहिए कि कहां कहां पर क्या क्या चीज हो रही है। आप लोगों को मैंने मूवी बताई थी सकल, द सकल करके जो मूवी थी वहां पर साउथ इंडिया की, याद आ रही है ना, मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था। उस मूवी में ये दिखाया गया कि फूड के अंदर में क्या क्या मिलावट होती है, तो वो सारी बातें यहां पर बताई जा रही है। तो फूड टेस्टिंग ये काफी अच्छे लेवल पर हमारे देश के अंदर में होना चाहिए, क्योंकि 99% जो लोग हैं वो अच्छे से चीजों को नहीं खा पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलेगी। इंप्रूवमेंट कितना हो रहा है लास्ट टाइम से अब तक आप लोग कंपेयर करके देखोगे तो उस इंप्रूवमेंट को भी यहां पर देखा गया है। और ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग काफी ज्यादा जरूरी है, अगर यहां पर जो भी लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेन नहीं किया जा रहा है तो ये चीजें आप लोग नहीं समझोगे। ठीक है सर, लाइव के लिए टाइम यही रखना, लाइव जो है वो आप लोगों की 7 बजे लाइव हो जाती है। ठीक है, अगर आप लोग हाँ बी सकल में मूवी का नाम दा सकल बोल दिया, ठीक है बी सकल है मूवी का नाम, बहुत ही प्यारी मूवी जैसे मैंने बताया, तो उसमें भी यहां पर ये चीज दिखाई गई है। तो वो एक तरीके से सारी चीजों को देखता है, उसका नाक जो है उस सूंघने में काफी तेज रहता है, तो चीजें यहां पर पकड़ पाता है, तो वही आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर ये इंडिकेटर है जिनको काउंट कर यहां पर रैंक तैयार की जाती है। ठीक है, 2019 में यहां पर जैसे देख सकते हैं महाराष्ट्र के बारे में, बिहार के बारे में, गुजरात के बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में, तो स्टेट वाइज यहां पर बताया गया इंडेक्स किस तरीके से यहां पर देखने को मिल रहा है, किस किस की चीजें बढ़ी हैं, किस किस की चीजें घटी हैं, ये भी चीजें यहां पर इनके द्वारा बताई जा रही हैं, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जो इंडेक्स तैयार किया गया जिसको स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स बोलते हैं, ये एनुअली इंडेक्स है। सबसे पहले तो याद रखिएगा पैरामीटर मैंने आप लोगों को बताए दिए, ये एवरी ईयर 7 जून जो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, ये याद रखिएगा। यहां तक जो मैंने चीजें बता दी ये तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब जो नेक्स्ट बात बताने जा रहा हूं उससे क्वेश्चन और भी ताकतवर तरीके से पूछा जाएगा, उसको थोड़ा सा और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहां पर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है किसके बारे में, कोड एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में। तो ये जो कोड ऑफ एलिमेंटेरियस कमीशन है यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके बारे में, नाम पढ़कर आप लोग कभी भी पता नहीं चलेगा कि यार ये किसके बारे में, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनेगा, क्योंकि नाम पढ़कर तो आप लोग निकल जाएंगे, आप लोगों को पता नहीं चला किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। पर यहां पर आप लोग चीजें देखना, ये फूड कोड भी बोलते हैं इसको, ये एक तरीके से क्या क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए खाने का उसके बारे में यहां पर ये काम करता है, और इसको यहां पर अडेप्ट किया गया था। ये जॉइंटली एक इनिशिएटिव है जिसमें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको यहां पर स्टार्ट किया गया था।
करेंटली 189 कंट्री है इसके अंदर में और इंडिया भी इसका पार्ट है। यानी कि फूड की सेफ्टी के बारे में बात करें, अगर कोई डायरेक्ट पूछ ले फूड कोड क्या है, तो ये शब्द आप लोग यहां पर इस्तेमाल करते हुए पाओगे। और उठाकर देखना यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन, आप लोगों को यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ये किससे रिलेटेड है, क्योंकि कई बार आप लोगों को ऐसे टर्म्स एग्जाम में पूछे आते हैं जिनको देखने के बाद में आप लोगों को ये लगेगा ही नहीं कि यार ये टर्म्स जो है ये इससे रिलेटेड होगा, क्योंकि इसमें कहीं भी खाने या खोने के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आप लोग एक गेस नहीं कर सकते कि किसके बारे में ये होगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसी चीज अगर पढ़कर जाते हो, रिवीजन कर लेते हो आप लोग, तो फिर उनको आप लोग अच्छे से याद रख पाते हो। तो ऐसी चीजों को आप लोग इस तरीके से देखकर चलना है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट है, यहां पर कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो बताना, उसको जो है वो दूर किया जाएगा। एक सेकेंड इधर की सब गया। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर ये बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर यहां पर नहीं होना चाहिए। इसका कुछ डेटा मैं आप लोगों को बता देता हूं जिससे कि आप लोग इसको थोड़ा सा और देख सकें। ये जो रैंकिंग है किस किस तरीके से, लार्ज स्टेट, इसी के साथ में स्मॉल स्टेट और इसी के साथ में यूटीज है, उनकी रैंकिंग पास्ट में भी अगर आप लोग देखोगे इस तरीके से तैयार की गई है। ठीक है, यहां से आप लोग देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन टॉप पर है, तो इससे आप लोगों को एक अंदाजा लग जाएगा यहां पर। ठीक है ना, तो यहां तक कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के मन में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। जैसे अभी यहां पर पूछो क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछा गया वो कैसे पूछा गया, अभी जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए यहां पर, ये कोड ऑफ एलिमेंटेरियस जो कमीशन है यहां पर, इसके बारे में पूछा गया कि ये किससे रिलेटेड यहां पर ये इनिशिएटिव है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मिलकर है यहां पर, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का है, या फिर ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव का है। डायरेक्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया ना आप लोगों से, तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी चीजें सुननी है समझनी है, अगर एक बार को माइंड से ध्यान से आप लोग उन चीजों को सुन लोगे और समझ लोगे, तो फिर एग्जाम में जब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोगों को कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि सिस्टमेटिक वे में एक बार चीज को समझ लो और फिर क्वेश्चन अगर कोई भी आता है तो आप लोग वहां पर उसका आंसर आसानी से दे पाओगे। अभी मैंने क्या पढ़ाया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो खाना और जो हेल्थ है दोनों को साथ में मिला दो तो यहां पर ये एलिमेंटेरियस कमीशन आप लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर में, फिर बोलोगे यार ये क्वेश्चन कहां से बन गया। बहुत ही आसान है, आसानी से आंसर भी आप लोग दे सकते हो, बस दिक्कत यहां पर ये है कि आप लोगों ने इसको ढंग से सुना है समझा है, अगर वो चीजें की है तो फिर कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं चीजों को बस सुनते हुए चलो, कई चीजें तो आप लोगों को वैसे ही याद हो जाएंगी अगर आप लोग उनको ध्यान से सुनते हुए चलोगे। ठीक है, अभी यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट, यहां पर एक छोटा सा आर्टिकल है, ये हालांकि इंटरव्यू टाइप में आ गया पर लेकिन चीजें वही है सारी सुनी हुई। बोला है कि इज यूनाइटेड नेशन टूथलेस इन एंडिंग वॉर। अगर आप लोग पुराने टाइम से उठाकर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आप लोगों से इंटरव्यू के अंदर में कि यूनाइटेड नेशन क्या एक टूथलेस बॉडी है, अगर आप लोग ढंग से देखो तो जी हाँ, कहीं ना कहीं काफी हद तक यूनाइटेड नेशन जो है वो एक टूथलेस बॉडी आप लोगों को देखने को मिलती है। ये ना मैं बोल रहा हूं ना ये आप बोल रहे हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो ये बोल रही है। प्रेजेंट टाइम पर आप लोग देखो, रसिया और यूक्रेन की वॉर जो है वो कब से चल रही है, अब तक उसका जो है खात्मा नहीं हुआ है। रसिया और यूक्रेन की वॉर का देख लो। ठीक है, सीरिया के अंदर में पैलेस्टीन वाला जो मुद्दा आप लोग अगर देखोगे वो इतने लंबे समय तक चला, उसका कोई सीरिया बोल रहा हूं पैलेस्टीन का मुद्दा जो है वो इतना लंबा चला उसका कुछ नहीं किया गया। पैलेस्टीन और इसराइल वाला मुद्दा, सीरिया के अंदर में जो लड़ाई चली इतने लंबे समय तक, उसमें यूएन कुछ नहीं कर पाया, बस दूर से बैठे बैठे ये कह रहा था कि यार ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है भाई साहब, लोग भूखे मर गए यार, इनके बारे में सोच लो, मतलब फालतू की बातें बिना सर पैर वाली, ये चीजें वहां पर चलती रही। ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तालिबान अफगानिस्तान वाला आर्टिकल मैंने डिस्कस किया, वहां पर चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये वो बातें हैं जो रेगुलरली आप लोग देखते हैं, जिसके बेसिस पर बात कर सकते हो कि यूएन जो है वो कहीं ना कहीं उस लेवल पर काम नहीं कर रहा है जिस चीज को सोचकर कि यूनाइटेड नेशन, यानी कि बहुत सारे नेशन एक साथ में आए और उन सारे नेशंस ने कुछ ऐसी चीज बना ली जो कि सॉल्यूशन निकाले। तो रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर जब आप लोग देखोगे तो वो सॉल्यूशन निकलता हुआ आप लोगों यहां पर इसका नहीं देखने को मिलेगा, जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए इसको बनाया गया था, क्योंकि किसी भी वॉर में इसके बारे से कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है ना इसकी कोई सुन रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे सबसे बड़ा रीजन क्या है यहां पर, जो मुझे पर्सनली लगता है, आप लोग बताइएगा इससे सहमत है या फिर ना, सबसे बड़ा रीजन है यहां पर वीटो पावर दे देने का। जो ये वीटो पावर है, अगर इस वीटो पावर को, वीटो पावर हटाकर इस पावर को अगर आप लोग कन्वर्ट कर दे डेमोक्रेटिक पावर में, यानी कि जो 15 यहां पर परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर है, तो उनमें से अगर सबको भी बोल दे कि डेमोक्रेटिक वे में डिसीजन ले जाएगा,
कि जो भी यहां पर हाईएस्ट बातें रखेगा यहां पर कि हाँ जिसकी बातें जो हाईएस्ट वोट होगी उसी को मानेंगे, तो आप लोग देखना मैक्सिमम ऐसे वोर ना वो आप लोगों को ज्यादा लंबे समय तक टिकती हुई नजर नहीं आएगी। ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है जो यूएन के बारे में आज के दिन में हम लोग बातें करते हैं। इसीलिए जहां जहां भी लड़ाई हो रही है वहां वहां धड़ल्ले से लड़ाई हो रही है और उनका कोई सोल्यूशन निकलता हुआ आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है, तो ये रीजन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं डायरेक्टली। तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को मन में नहीं होना चाहिए। तो ज्यादा याद नहीं रखना, बस वही बातें हैं उसके बारे में बुराई कर रहे हैं। क्यों है ऐसी चीजें? क्योंकि भाई साहब उसमें रिफॉर्म के लिए जब भी हम लोग बात करते हैं यूएन के अंदर में, कोई रिफॉर्म करने के लिए तैयार ही नहीं है, रिफॉर्म के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। रिफॉर्म की जब भी बात आती है तो वीटो पावर वाले जो है वो भाई साहब इतने संकुचित सोच के हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यहां पर जैसे नहीं किसी लड़की के बारे में बात करते हैं कि लड़की को भाई साहब उसको घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, उसके एजुकेशन के बारे में बात करना चाहिए, तो कई सारे लोग संकुचित हो जाते हैं उसको लेकर। ऐसे ही संकुचन आप लोगों को यहां पर इनका देखने को मिलेगा जब इसमें डेवलपमेंट के बारे में, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये हरकतें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, तो खतरनाक है यहां पर ये, ठीक है। ओके, 2000 का टारगेट दे रखा है, ठीक है, 1500 को मत देखो, अब 2000 का टारगेट दे रखा है, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं 2+2 डायलॉग के बारे में। 2+2 डायलॉग ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा पहले 2+2 डायलॉग के बारे में, देखता हूँ कौन से आंसर देता है। 2+2 डायलॉग जो है वो यहां पर कौन कौन मिलते हैं इसमें आकर, यानी कि जैसे 2+2 डायलॉग के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन यहां पर आकर मिलते हैं, पहले आप लोगों को ये बताना है कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिलती है बेसिकली, ठीक है, बताइए जरा। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों का बनता है अगर इसके बारे में आप लोग आंसर दोगे तो फिर आसान से आप लोग चीजें समझ पाओगे, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा आंसर आप लोग यहां पर बोल सकते हो, देखता हूं कौन सही आंसर इसका देता है, ठीक है। एग्जैक्टली 6:30 पर वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो 6:30 पर वीडियो एटलीस्ट इसको स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वाले टारगेट से, ठीक है। ऐसा नहीं 6:30 पर वीडियो, क्योंकि 6:30 पर लाती जो आ रहे हैं ना ये भी आने बंद हो जाएंगे और फिर जो है यहां पर ये भी नहीं दिखने लगेगी। जिस दिन 3000 लाइव हो गए 7 बजे उस दिन वीडियो जो है 6:30 पर लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। 7 बजे अगर 3000 लाइव हो जाएंगे उस दिन वीडियो, उसी से अगले दिन वीडियो जो है 6:30 बजे आ जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। अब आप लोग सोच लो, ये बात मेरी लिख लेना, ठीक है। 3000 का आंकड़ा जिस दिन पार हो गया, अगर कल हो जाएगा तो कल से ही वीडियो जो है 6:30 बजे ला दूंगा, ठीक है। 2+2 डायलॉग जो होता है आप लोगों का डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी ये डायलॉग जो है आप लोगों को आगे भी न्यूज में देखने को मिलेगा, इंडिया के अंदर में ये डायलॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें यूएसए के जो यहां पर दो मिनिस्टर आएंगे यहां पर, जिनका नाम है एंटोनी ब्लिंकन और इसी के साथ में लॉयड ऑस्टिन, ये देखने को मिलेंगे, और हमारे देश के यहां पर आप लोगों को डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, तो यहां पर डिफेंस मिनिस्टर ये कौन है, फॉरेन मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ये कौन है, फॉरेन मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अलग अलग होते हैं क्या, है डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बोल लो या फिर डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर बोल लो, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ये अच्छा लगा सुनकर। कौन है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, कौन है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, बताना। एक ही इंसान है फिर अलग अलग है, तो डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ साहब है और फॉरेन मिनिस्टर कौन हो गए वो आप लोगों को पता है, उनके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों मिलेंगे और यहां पर चीजों का सोल्यूशन निकाला जाएगा, डिबेट और डिस्कशन किया जाएगा यहां पर, उसमें आप लोगों को इसराइल और हमास वाली बात देखने को मिल सकती है, रसिया और यूक्रेन वाली भी बातें कई बार डिस्कस कर लेते हैं लोग बार बार बात बात पे, तो देखते हैं जो भी यहां पर रहेगा आने वाले टाइम में। अभी हालांकि एक डिबेट और देखने को मिल सकता है कि कनाडा और इंडिया के जो रिलेशन है उसको लेकर भी क्वेश्चन डिस्कशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकता है, तो बहुत सारी बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकती है जो कि आप लोग यहां पर समझिएगा, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनसे डायरेक्टली आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं बेसिक चीजें आप लोगों को कई सारी यहां पर देखने को मिलेगी, अगर ध्यान से सुनोगे तो आप लोग सारी चीजें जो है वो अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। तो सारी बातें यहां पर आप लोगों को मैंने समझा दी, एक एक कर इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कल को अगर 2+2 डायलॉग के बारे में कोई पूछ ले तो आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, यहां पर अभी दिल्ली के अंदर में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये पिक्चर जो शेयर की गई है ये पंजाब के अंदर में अमृतसर से यहां पर स्टबल बर्निंग की बात की जा रही है। स्टबल बर्निंग क्या होता है, इंग्लिश में स्टबल बर्निंग बोलते हैं और वैसे इसको बोलते हैं घास फूस को जला देना, यानी कि पत्ती जला देना खेतों में, जैसे कि ईंट की कढ़ाई होती है और पत्तियां बजती हैं उसके बाद में उन पत्तियों को जला देना, तो उसके बारे में यहां पर बातें की जा रही है। इसके चलते यहां पर दिल्ली के अंदर में कई सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, जैसे स्कूल जो है प्राइमरी लेवल पर उनको बंद कर दिया गया 3 और 4 नवंबर के लिए, इतनी ज्यादा यहां पर एक तरीके से वो देखने को मिल रही है। बाकी यहां पर आप लोगों को पता है कई सारी और भी चीजें हो जाती है, जैसे स्टोन क्रेसिंग और माइनिंग की उनके ऊपर रोक लगा दी है, ठीक है। BS जो यहां पर 4 वाले जो व्हीकल है
ठीक है, और यहां पर उनको और ज्यादा फाइन पे करने के लिए बेसिकली वो कर दिया है, अगर कोई इस तरीके का व्हीकल यूज करा है तभी पुराना, तो उनके ऊपर कई सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं, जब जब कोई ऐसी चीजें होती है ना, तब तब यहां पर ये रहता है कि यार कैसे इन चीजों को रोका जाए। तो चीजों को रोकने का सबसे सही तरीका क्या है कि उनके ऊपर कोई ना कोई प्रतिबंध आप लोग लगा दो, तो वो चीजें फिर आप लोगों यहां पर रुकती है, नजर आने लगती है। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक चीजें होगी जो कि आप लोग यहां पर याद रखेगा, क्योंकि ये पोल्यूशन की चीजें आप लोगों को पूरी जो है आप लोगों को नजर आएगी, ऐसा नहीं कि अभी, ये पोल्यूशन की चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को आने वाले टाइम में भी रेगुलर नजर आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर केजरीवाल साहब जो हैं उनको बेसिकली अभी ईडी के बारे में आप लोगों को पता होगा, सारी आम आदमी पार्टी जो है ईडी के इर्द गिर्द घूम रही है, और यहां पर बीजेपी को सलेम कर रही है, भाई साहब इन्होंने जो है हमारे नाक में दम कर दिया सेंट्रल एजेंसी का इस्तेमाल कर पराली, हाँ पराली जलाना, पराली बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, ईडी के बारे में बस आप लोग पढ़ लेना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसका नाम है, पहले इसको इन्फोर्समेंट यूनिट बोलते थे, जब 1956 में इसको बनाया गया था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये जो पर्टिकुलर बॉडी है वो डिपार्ट, जो अगर देखोगे यहाँ पर ये पर्टिकुलर बॉडी जो है किस डिपार्टमेंट के अंदर में आती है, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, दो पर्टिकुलर कानून फॉलो करती है, एक को बोलते हैं फीमा, जो मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से, फीमा है 1999 का, तो फीमा इनके द्वारा फॉलो किया था, इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का, जिसको आप लोग पीएमएलए बोलते हो। ठीक है, पीएमएलए, तो ये दो कानून फॉलो किया जाते हैं जहां से इनको पावर आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है यहाँ पर उसका हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, कौन है इसके डायरेक्टरेट बताइए यार, इसके अलग ऑफिस भी हैं, जैसे मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली, अलग अलग रीजनल ऑफिस भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जोनल ऑफिस भी है इसके, ये इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो बेसिकली अगर बात करें जैसे नहीं जो कंप्राइज करते हैं आई इसके, अच्छा कई बार बोलते हैं कि सर इसके अंदर लोग कहां से जाते हैं, तो इनके अंदर अलग से रिक्रूटमेंट नहीं होता है, जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के हो गए, आईपीएस हो गए, आईएएस हो गए, तो यहां से इन लोगों को यहां पर इसके अंदर में डाला जाता है जब कोई ऐसी बॉडी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बात आप लोग हमेशा रखिएगा, इनके लिए कोई अलग से नहीं बनाया जाता कि भाई साहब अलग से इनके लिए चीजें निकल कर आ रही है, कई बार आप लोगों से यहां पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप लोग यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ये डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। एक्जैक्टली सही आंसर आप लोगों का, जो भी आंसर दे रहे हैं सही वो अपनी पीठ थपथपा लेना, क्योंकि बहुत सारे आंसर ही नहीं देते हैं, बहुत सारे महानुभाव आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अगर आप लोग आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग चीजों को समझ रहे हैं। एथिकल कमेटी के बारे में मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर, वो फिर से न्यूज में आ रहा है, यहाँ पर एथिकल कमेटी को छोड़कर यहाँ पर मीटिंग को छोड़कर निकल गई, क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर पैसा लेकर क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन आर के बारे में मैंने डिस्कस किया था, ये सारी बातें मैंने डिस्कस की थी आप लोगों से, जीरो आर के बारे में मैंने डिस्कस किया था, तो वही फिर से यहां पर आ गई, रेगुलरली ये चीजें आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलती रहेंगी, तो इनको आप लोग जो है वो इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, एक न्यूज है यहां पर, ये पीआईबी के अंदर कवर की गई थी, यहां पर बात की जा रही है सेंटर के द्वारा यहां पर नेशनल लेवल मॉनिटर के बारे में बात की जा रही है, लाइव स्टॉक स्कीम के बारे में, क्या है बेसिकली नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, ये आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक मतलब जो जीव जंतु हमारे देश के अंदर में ना जानवर जो कि काफी ज्यादा फायदा हमको पहुंचाते हैं, उनके बारे में आप लोगों को मैं कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, इससे आप लोग अंदाजा लगा पाएंगे कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी। अगर आप लोग देखोगे दुनिया में, अगर कोई आप लोगों से पूछे कि इंडिया जो है टोटल बफेलो की पॉपुलेशन यानी कि जो भैंस है उनकी पॉपुलेशन में हमारा देश जो है वो दुनिया में वन नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है गोट यानी कि बकरियों की पॉपुलेशन के बारे में, भैंस यानी कि बफेलो में फर्स्ट है, गोट में सेकंड है, अगर बात करें जो खासकर भेड़ होती हैं, जो सीफ होती हैं, उनमें हम लोग थर्ड नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, फोर्थ नंबर पर है हम लोग मुर्गियों की पॉपुलेशन के बारे में, चिकन, ठीक है, फिफ्थ नंबर पर है हम पोल्ट्री फार्म के बारे में, तो ये आप लोग समझ सकते हैं यहां पर, तो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है लाइव स्टॉक के बारे में जब हम लोग बात करते हैं। लाइव स्टॉक जो है मिशन, इसके अंदर में ऑल इंडियन स्टेट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और इसके अंदर में चार सब मिशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे कैसे यहां पर फोडर और फीड के बारे में बात की जा रही है, खाना पीना मिलना चाहिए जो भी जीव जंतु आप लोग पाल रहे हो, ठीक है, इसी के साथ में लाइव स्टॉक का डेवलपमेंट होना चाहिए उसके बारे में बात की जा रही है, पिक डेवलपमेंट यहां पर बात की जा रही है नॉर्थ ईस्ट में, यहां पर काफी लार्ज स्केल पर उनके लिए फायदेमंद है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया के लिए, और स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि ये सारी अगर मुर्गी पालन आप लोग करना चाहते हो तो उसके लिए भी सिस्टमेटिक वे में आप लोगों के पास में नॉलेज होनी चाहिए, बिना नॉलेज के आप लोग ये चीजें नहीं कर पाओगे, ये बात मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मैंने बोला सारे स्टेट पार्टिसिपेट करें तो सिलसिले समझ में आ गया, सेंट्रल स्टेट मिलकर यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और इसको व्हाइट रिवॉल्यूशन के अंदर सब स्कीम के तरीके से भी देखा जा रहा है, 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था, ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, जैसे यहां पर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे आप लोगों से तो यहां पर आंसर आप लोगों को बताना है, फिर से कह रहा हूं आंसर बताइए और ध्यान से पढ़कर बताइए, देखता हूं आप में से कौन इसका सही आंसर देगा, मुझे भी पता चल जाएगा।
बोला गया कि देर आर फोर सबमिशन अंडर दिस नेशनल मिशन, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम आप लोगों को यहां पर ही देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है इंश्योर करने की क्वालिटी और यहां पर क्वांटिटी यहां पर लाइव स्टॉक की, नन ऑफ द अबव। सही आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। तो ये बताइए आप लोग सही आंसर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे जैसे मुझे पता है ना, जब अगर चलो बाद में डिस्कस करेंगे इसको, अभी कमेंट करते रहो आप लोग, ठीक है। यहां पर इसका आंसर बताओ, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। अभी मुझे पता है आधे आंसर गलत देने वाले हैं यहां पर। सी और ए वाले कौन से हैं बता दो जरा मुझे। जो सी और ए दे रहे हैं ना, वो एक चीज नहीं देख रहे होंगे यहां पर, वो चीज क्या है, ए ए ए, मुझे पता था ए देंगे। ये भूल गए होंगे कि यहां पर नोट भी लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने पढ़ा नहीं जानबूझकर, क्वेश्चन पढ़ते हुए मैंने नोट जानबूझकर नहीं पढ़ा। मैंने देखता हूं कौन सी आंसर देता है। नोट लिखा हुआ है यार यहां पर, नोट, ठीक है। तो ये नोट ना आप लोगों के नोट लगवा देगा अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे। तो ये क्या हो गया, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। नोट पढ़ लिया करो मेरे दोस्त, वरना ये वांदे लगा देंगे आप लोग, ठीक है। किस किस को समझ में आ गया, कौन देखो क्वेश्चन पढ़ना, इसका मतलब ये कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे तब चीजों को ढंग से, ठीक है। तो ये है बस बेसिकली आप लोग की वोकैबुलरी, इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करना। बहुत सारे लोग जो है सेंटेंस फॉर्म नहीं करते हैं और बस ऐसे ही निकल लेते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिससे चीजों को आप लोग अच्छे समझ पाओ। पहले हम लोगों ने यहां पर बात की किसके बारे में, हम लोगों ने यहां पर बात की बेसिकली किसके बारे में, डेमोक्रेसी और मोबोक्रेसी के बारे में, ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोगों से डे के बारे में बातें की थी, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में बातें की थी। मोटिवेशनल कोट और एक एथिक्स का क्वेश्चन देखा था, बीएचयू के अंदर में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो एथिक्स के अंदर में डायरेक्ट आप लोगों से ये चीजें पूछी जा सकती है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा, ठीक है। बाकी यहां पर एक छोटी सी एक न्यूज है, हालांकि न्यूज नहीं है फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं थोड़ा सा। ये एक तरीका क्वेश्चन है, यहां पर अगर पूछा जाए, हमारे देश के अंदर में कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा पास किए जाते हैं, उसमें से कई बार क्या रहती है, सरकार जो है वो अपना अपना परसेंटेज लेती है। मान लीजिए किसी को फैक्ट्री लगानी है, तो बोलेगा यहां पर फैक्ट्री की लगाने की कीमत कितनी है, वो है 100 करोड़ रुपए। तो सरकार क्या बोलेगी, 100 करोड़ का 30%, यानी कि 30 करोड़ रुपए जो है वो पास में भिजवा देना बैग सूट में पैक कर। यही बात जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बोल रहे हैं यहां पर। ये इनके द्वारा जो बात बोली गई कि सूटकेस गवर्नमेंट चलती है यहां पर, 30% आपका काम पक्का, ठीक है, 30% दे दो आपका काम पक्का हो जाएगा। और ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज देखने को मिलती है, बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हमारे देश में इसी वजह से नहीं हो पाते हैं जब यहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। तो अपने ही आप में काफी ज्यादा खतरनाक चीज है ये, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं यहां पर। रेट जरूर देना लेक्चर कैसा लग रहा है आप लोगों को। बाकी ये केरला वाला आर्टिकल जो है एक बार रिवाइज कर लेना, जिसमें तमिलनाडु में मैंने डिस्कस किया था। पाकिस्तान वाला आर्टिकल कैसा लगा था, इसको बैड टेररिज्म गुड टेररिज्म समझ में आया कि नहीं आया, आज के बाद में कभी कंफ्यूजन तो नहीं होगा। पीएमआई वाला आर्टिकल कैसा लगा, बहुत ही तसल्ली में आप लोगों से मैंने डिस्कस की सारी बातें, क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किया इसके बारे में, कौन कौन से इसके अंदर में वो है बताइए यहाँ पर। ये प्रस्तुत किसके द्वारा किया जाता है पीएमआई, देखता हूँ कौन। और हाँ, सारे आंसर जो है वीडियो कंप्लीट होने के बाद में वीडियो के नीचे चाहिए मुझे, ठीक है, क्योंकि उससे आप लोगों का रिविजन भी हो जाएगा और लंबे समय तक याद रख पाओगे। बस फिर रिजर्व के बारे में बहुत ही प्यारा आर्टिकल था, तसल्ली में डिस्कस किया उदाहरण के साथ में, हमारे देश में क्या क्या सारी चीज देखी। कमीशन के बारे में बात की यहाँ पर, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन के बारे में काफी अच्छे से डिस्कस किया, क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के बारे में हम लोगों ने बातें की काफी तसल्ली में, सारी बातें मैंने आप लोगों को यहां पर बताई। कोलकाता और कोझिकोड और ग्वालियर के बारे में कई सारे बातें डिस्कस की, यूनेस्को के बारे में सारी बातें बताई, क्वेश्चन भी हम लोगों ने अटेम्प्ट किया, कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में यहां पर यूनाइटेड नेशन को टूथलेस बॉडी बताया गया, 2+2 के बारे में डिस्कस किया, ये भी एक इंपॉर्टेंट था यहां पर। लाइट किस तरीके से यहां पर स्टबल बर्निंग देखने को मिल रही है, पराली जलाना, एयर की क्वालिटी के बारे में बात की, यहां पर ईडी के बारे में मैंने बात की, एथिक कमेटी के बारे में डिस्कस मैंने किया था, लाइव स्टॉक के बारे में। तो बहुत सारा डिस्कशन आप लोगों का यहां पर हो गया, आज लेक्चर भी थोड़ा सा लेंथी हो गया क्योंकि डिस्कशन काफी ज्यादा यहां पर हो गया आज, ठीक है। तो बहुत सारे आर्टिकल आप लोगों के कवर हो गए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और ये है आप लोगों के सामने वो कैबलरी। अब सारी क्लासेस एप्लीकेशन पर आप लोगों को टाइम से देखने को मिल रही है, तो उनको जाकर आप लोग एंजॉय कर सकते हैं अच्छे से, कोई भी डाउट हो तो बताना। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं आप लोगों के लिए रेगुलरली, तो यहां पर आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अगर मॉडल आंसर आप लोगों को चाहिए कि कैसे आंसर लिखना है, उसका मॉडल आंसर आप लोगों को रेगुलर मिलता है यहां पर। ये चीजें आप लोग देखते हैं अगर रियलिटी में सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो। 499 लाइफ टाइम यहां पर ये बेसिकली आप लोगों का है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर, व्हाट्सएप पर, इस नंबर पर 8076659165 पर ये स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर देना कि व्हाट्सएप ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर क्लास नोट्स आप लोग लेना चाहते हैं तो यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट इसके लिए नहीं होना चाहिए। आज का लेक्चर कैसा रहा बताना जरूर, मजा आया कि नहीं आया, हाउ इज द जोश। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया उसके लिए सॉरी, कई सारे बच्चे बोलेंगे सर, पर वही है कि अच्छे से चीजें डिस्कस हो गई। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक उन्हें ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो, रोज लो, नहीं